चलिए तो हेलो दोस्तों वेलकम ऑल ऑफ यू सबका बहुत बहुत स्वागत है बिल्कुल प्रणाम शीतल सबको नमस्कार सबको गुड इवनिंग बेटा अभी हमारे सेशन को स्टार्ट करेंगे हम लोग हाँ और फटाफट से जो भी लोग कनेक्ट नहीं हुए हैं उनको सभी को क्लास का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वे सभी हमारे सेशन से कनेक्ट हो जाए बड़ा फटाफट बड़ से लिंक को शेयर कर दीजिए बेटा हाँ बिल्कुल क्लास के लिंक को जो है अपने सभी दोस्त हाँ आ गया हो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो बस इसी तरीके से रेगुलर कनेक्ट रहिए और पढ़ते रहिए शानदार तरीके से कोई भी दिक्कत हो तो बिल्कुल निश्चिंत होकर पूछिए है। हाँ हेलो बेटा चलिए बहुत बढ़िया तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को यहां पर हम लोगों ने कल भी मैंने आपको बताया था एक स्पेशल आपके पास न्यूज़ ये है कि मंथ एंड जो है गिफ्ट आपके लिए लेके आया है क्लास ट्वेंटी फोर जिसके तहत सभी आपके टेस्ट सीरीज और सभी आपके जो कोर्सेज हैं उनके ऊपर आपको जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है इलेवन परसेंट का मतलब जो आपका प्राइस अभी चल रहा था उसके ऊपर भी आपको इलेवन परसेंट का और यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और ये तीस और इकतीस आज देखिए इकतीस तारीख का तो आज लास्ट है बेटा अगर आप परचेस करना चाहें तो आज की डेट में कर लीजिए और अदरवाइज फिर कल ये डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा जो ओरिजिनल प्राइस है उसी में आपको परचेस करना पड़ेगा और जो यहां पर कोड है वो कोड है जी आई एफ टी गिफ्ट कोड जो है वो कोड कौन सा है वो है गिफ्ट ठीक है बेटा चलिए तो आज की हमारी क्विज की तरफ हम लोग चलते हैं ये हमारी जो जूनियर अकाउंटेंट और इसकी जो टेल, आ, सीरीज है बेटा हमारी यहाँ पर आपकी टेस्ट सीरीज जो है उसके ऊपर भी अप्लीकेबल है।, है वो यहाँ पर लॉन्च कर दी गई है आपके जूनियर अकाउंटेंट की थ्री डबल नाइन में आपके जो टीचर वाली वैकेंसी है उसके लिए टू डबल नाइन की है तो आप उसको सॉरी महिला सुपरवाइजर वाली तो उसको डेफिनेटली आप परचेज कर लीजिए आज और कल में तो आज ही कल नहीं सॉरी आज ही परचेज कर लीजिए अदरवाइज वो डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा आपको ठीक है तो चलिए बेटा काउंट डाउन मैंने यहां पर ऊपर रेडी कर दिया है और पहला क्वेश्चन जो है वो मैं आपकी स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं तो पहला क्वेश्चन ये रहा और काउंट डाउन आपका स्टार्ट हो चुका है बताइए एम एस पावर पॉइंट का क्वेश्चन है ये और आपको ये बताना है कि यहां पर आपका एन जो है के अंदर जो एन की हम लोग दबाते हैं वो किस लिए यूज में ली जाती है क्या परपज होता है एन को दबाने का पहले में बी अविना और ये कुछ लोग बी कह रहे हैं बताइए बेटा क्या आएगा शुभम ठीक है देखो बेटा कई आती है यहां पर हाँ बिल्कुल चलिए बताइए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया दो लोग दो चार लोगों ने बताया आंसर शुभम का है शुभम ने तीन बार आंसर दिया है शालू का है अविना का है बाकी लोग भाई हो बताओ आंसर दो अरे भाई कंट्रोल प्लस एम नहीं कह रहा हूं सिंपल एन दबाना है सिंपल और कब दबाना है जब आपका स्लाइड शो चल रहा हो ध्यान रखो ये क्या कह रहा है जब स्लाइड शो चल रहा हो ना उस समय अगर, अगर अपन एन दबाएंगे ना वो क्या काम करेगा हाँ तो स्लाइड शो चल रहा है उस समय अगर आप एन दबाएंगे तो यह हमारा यहां पर जो काम करेगा यह करेगा आपका नेक्स्ट स्लाइड का यानी कि मूव कर जाएगा ठीक है चलिए बेटा यहां पर फिर से मैं तीस सेकंड का लगा देता हूं अगला क्वेश्चन यहां पर आ चुका है बताइए बेटा इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टू थाउजेंड टेन वॉट इज द वैल्यू ऑफ द हाइएस्ट जूम टू की इन द जूम डायलॉग बॉक्स देखिए एमएस एस पावर पॉइंट के अंदर मैक्सिमम जूम अविना का 500 है बाकी का 400 है ठीक है बेटा टाइम आपका 12 सेकंड और है बताइए फटाफट से हाँ कॉपी पेस्ट मत करो बेटा कॉपी पेस्ट तो करो ही मत आप यहां पर जो मेरा आंसर आएगा बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल सही है यहां पर टाइम समाप्त हो गया है ऑप्शन नंबर यहां पर बेटा मेरा ए आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा फोर हंड्रेड परसेंट देखिए एम एस पावर पॉइंट और एम एस एक्सेल में मैक्सिमम जो होती है वो फोर हंड्रेड होती है और केवल और केवल एम एस वर्ड की अगर मैं बात करूं एम एस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो जूम होता है वो हमारा होता है कितना फोर फाइव हंड्रेड परसेंट ये एम एस वर्ल्ड में होता है बाकी में एम एस पावर पॉइंट ले लीजिए एक्सेल ले लीजिए उनमें मैक्सिमम फोर हंड्रेड परसेंट होता है ठीक है अगला देखिए यहां पर क्या है बताइए बेटा इज राइट अलाइंड एंड नंबर आर लेफ्ट अलाइंड और बोथ टेक्स्ट एंड नंबर आर लेफ्ट अलाइंड और यहां पर है बोथ टेक्स्ट एंड नंबर आर राइट अलाइंड बताइए कौन सा आएगा इसमें बताइए सी और बी चलिए मैं साइड हो जाता हूं कोई बात नहीं काफी बड़ा क्वेश्चन है पूरा स्क्रीन के ऊपर आ गया क्वेश्चन ए और सी देखो बेटा ऐसे नहीं होता इसमें ढंग से देखो चीजों को समझो ये मैंने आपको क्लास के अंदर अच्छे से क्लियर भी करवाया बताया भी था मैंने ये चीज आपको अलाइनमेंट के बारे में देखिए क्या होता है हाँ देखिए यहां पर क्या है कि जब भी हम लोग एम एस के अंदर लिखते हैं तो हम लोग एक एम एस में एक सेल के अंदर लिखते हैं अब इस सेल के अंदर अगर मान लीजिए आपने नंबर लिखा है, अगर आपने नंबर लिखा है तो नंबर आपका राइट right साइड में अलाइन होता है, ध्यान रखिएगा राइट right, मतलब इधर की तरफ आएगा और अगर आप इसमें लिखते हो टेक्स्ट अगर आप लिखते हो टेक्स्ट, तो ये आपका बेटा लेफ्ट अलाइन होता है यह लेफ्ट साइड में रहेगा ध्यान रखिएगा ठीक है लेफ्ट अलाइन टैक्स जो है वो लेफ्ट लाइन रहेगा और नंबर जो है वो राइट लाइन ऑप्शन नंबर ए यहां पर हमारा करेक्ट होगा बाय डिफॉल्ट इसमें सेट होती हैं ठीक है सेटिंग्स दी गई होती हैं अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं अदरवाइज ये आपका यहां पर रहेगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर बताइए इन एक्सेल फंक्शन मोड इज यूज फॉर देखिए मोड जो है वो एक फंक्शन है वो एक फॉर्मूला है ये क्या काम करता है बताइए ये क्या काम करता है मोड जो है वो क्या काम करता है एम एस में बताइए बेटा बताइए रिटर्न रिमाइंडर प्रो from division modules uh, value of integer returned quotient of division converting integer of देखो बेटा हाँ टाइमर खत्म हो गया है यहां पर जो बेटा मेरा आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा देखो मोड होता है आपका एक तरीके से शेषफल ज्ञात करने के लिए ध्यान रखिएगा मोड जो होता है ये आपका बेटा रिमाइंडर के लिए होता है किसके लिए होता है रिमाइंडर के लिए ध्यान रखिएगा एक सेकंड मैं थोड़ा सा इसको सेटिंग कर रिमाइंडर देखिए मोड़ जो होता है ये आपका निकालता है शेष फल ठीक है और आपका एक होता है कौशन कौश नाम का ही होता है वो भागफल के लिए ये भागफल निकालता है हमारा भागफल कौशन नाम का ही होता है क्यू यू ओ टी आई ई एन टी एस अब ये ऐसे लिखेंगे बराबर लिखेंगे मोड़ लिखेंगे ब्रैकेट में लिख दिया पच्चीस और कोमा यहां पर लिख दिया जैसे कि मान लीजिए सात तो अब ये हमारा जो आंसर आएगा ना बेटा वो आंसर ये डिस्प्ले करेगा चार क्योंकि इक्कीस तीन बार जाएगा और इक्कीस के बाद में चार बचेगा तो चार दिखाएगा यहां पर हाँ नहीं मोड की फुल फॉर्म देखोगे तो मोड्यूलस लगेगा पर ये मॉड्यूलस है नहीं ना यहां पर हाँ अगला देखो बेटा यहां पर क्या है बताइए वट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सएल फॉर्मूला बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है इसमें बताओ क्या आंसर आएगा बेटा इसमें यह एमएस एक्सएल का जो फॉर्मूला है ये किस तरीके से काम करेगा बताओ बेटा बताओ डी देखो गणित का नियम जो हमारा है ना बेटा गणित का नियम है वो गणित का नियम हमारा चलता है लेफ्ट टू राइट भाई वो ऐसे चलता है गणित का नियम। चलता है ना हाँ स्किप नहीं करना है। इसको देखो इसको आप ऐसे लिखोगे भाई दो बटे में आठ बटे में चार और बटे में दो ये आएगा तो बटे के बटे में होता है तो ऊपर चला जाता है ना ये तो ये कितना हो जाएगा दो सौ छप्पन है ना तो ये दो ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आठ दूनी सोलह और बटे में चार है चार ऊपर कर लो तो ये देखो चार दूनी आठ ये इस तरीके से काम हमें बैच में हम ऐसे करते होते हैं बटे के बटे में होता है तो ऊपर चला जाता है एक प्रकार से पर यहां पर ये यह ऐसे काम नहीं करेगा बेटा इसमें क्या होता है जो फॉर्मूला मेरा है यहां पर ये इस तरीके से वर्क करेगा ऐसे यानी कि लेफ्ट टू राइट वर्क करेगा यहां पर आप पहले भाग दो ये वाला तो आठ थी चौबीस आठ दूनी सोलह ये भाग चार और भाग दो आएगा यहां भाग दे दो चार आठ है बत्तीस भाग दो और ये वाला भाग दे दो चार इसलिए ऑप्शन नंबर डी आएगा जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी कह रहे ना बेटा बिल्कुल सही है हाँ कुछ फायदा मिला क्या एग्जाम में हाँ तो यहां पर मेरा आंसर आएगा बेटा इस प्रकार से देखो ये हमारा चलता है लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव करता है अगला देखो बेटा क्या है ऐसे जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन जिसमें सेम सिंबल हो ना थोड़ा ध्यान से करना है बेटा अगला देखो क्या है बताइए विच जस्टिफिकेशन अलाइंस द टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन राइट जस्टिफाई बोथ साइड या फिर बैलेंस या फिर नन होती है? बताइए <coughs> बिल्कुल बिल्कुल चलिए बस यही बात होती है फायदा होना चाहिए क्लास अगर आप रेगुलर रह रे रहे हो अगर वो आपको एग्जाम के अंदर फायदा पहुंचा रही है तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता बेटा हाँ देखो यहां पर बिल्कुल सही है देखिए ये कह रहा है कि मुझे लेफ्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट दोनों लगाने हैं तो इसके लिए मैं किसका उपयोग करूंगा जस्टिफिकेशन जस्टिफाई का तो जस्टिफाई आएगा इट इज यूज फॉर जस्टिफिकेशन और इसका जो शॉर्टकट होता है ये होता है कंट्रोल प्लस में जे कंट्रोल प्लस में जे जस्टिफिकेशन का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस में जे होता है क्लियर है बेटा बिल्कुल सही है यहां पर ऑप्शन नंबर बी आएगा अगला देखो क्या है थर्टी सेकेंड अगेन अगला क्वेश्चन ये है विच शॉर्टकट की इज यूज टू कॉपी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड देन पेस्ट द सेम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कौन सी की काम आएगी शॉर्टकट पूछा है और पेस्ट का दोनों का पूछ लिया आएगा इसमें कॉपी का भी पूछा है और पेस्ट का भी पूछा है, <coughs> है, है। चलिए टाइम आपका समाप्त हो गया है बिल्कुल टाइम आपका जीरो हो गया बताइए बेटा ये कह रहे हैं काफी सारे लोग ए कह रहे हैं ठीक है और बताइए और बताइए और बताइए और सबका ए कह रहे हो बिल्कुल सही है देखो देखो सिंपल कंट्रोल प्लस में सी कॉपी होता है पेस्ट होता है कंट्रोल प्लस में वी ठीक है अब जब आपको फॉर्मेटिंग कॉपी करनी होती है तो फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए या फॉर्मेटिंग को पेस्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल शिफ्ट और सी दबाते ध्यान रखिएगा और यहां पर कंट्रोल शिफ्ट और वी दबाएंगे ऑप्शन नंबर यहां पर ए आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा ए आएगा ठीक है अगला देखो व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन विंडोज एक्सप्लोरर विंडोज की प्लस में ई विंडोज की प्लस में डब्ल्यू और विंडोज की प्लस में ओ कंट्रोल प्लस में ओ बताइए बताइए क्या है गाइस भाई आपको ये अरे ध्यान से सुनो बेटा ध्यान से सुनो इसमें क्या होता है कि कौन सी शॉर्टकट की है जो विंडोज एक्सप्लोर या इसको फाइल एक्सप्लोर भी बोलते हैं कौन सा ओपन ये मैंने कल पता नहीं परसों की क्लास में बताया था बेटा अभी मैंने कल या परसों की क्लास में बताया भी था नहीं नहीं डब्ल्यू नहीं होता है बेटा नहीं नहीं डब्ल्यू नहीं होता है यहां पर विंडो प्लस में आपका देखो ई e आएगा बेटा यहां विंडो प्लस में ई e आएगा ध्यान दो तो, विंडो प्लस में ई e आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा ई से एक्सप्लोरर ऐसे याद कर लो ई फॉर एक्सप्लोरर ऐसे याद कर लो इसको ऑप्शन नंबर ए आएगा अगला देखो विच ऑफ नेम का एक्सटेंशन कौन सा है वैलिड वैलिड कौन सा है बताइए ये इसमें भी डॉट है बेटा और यहां पर भी डॉट है और ये थोड़ा सा टाइपिंग का एरर है तो ये जी ओ वी तक ही है मैं इसको मिटा देता हूं बाकी वाला जियोवी तक है कौन सा एक वैलिड डोमेन है बताइए ऑल ये क्या बिल्कुल सही है बिल्कुल देखो यहां पर जो मेरा आंसर आएगा ना वो ऑल आएगा देखो डॉट कॉम अगर कोई कमर्शियल आपकी वेबसाइट वगैरह वे है तो उसके अंदर डॉट कॉम लगता है अगर आपकी कोई गवर्नमेंट की है तो डॉट जियोवी लगता है नेटवर्क की वेबसाइट है डॉट नेट लगेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आएगा कि सारे के सारे डोमेन है और डोमेन भी कौन सा है ये टॉप लेवल डोमेन है याद है क्या टॉप लेवल डोमेन है ठीक है आगे देखो इसमें क्या है यूआरएल httpd.com login. which component identify the path of a web page मतलब इसमें से ये जो पूरा यूआरएल है ना बेटा है, यहां से लेके और ये यहां तक यहां पर देखो ये एक लाइन में दिया हुआ है इस सारे के अंदर ये पूछ रहा है कि इस सारे पूरे के अंदर एक तरीके से जो वेब पेज को कौन प्रदर्शित कर रहा है इसमें वेब पेज कौन दर्शा रहा है बताओ बेटा ए एस टी पी एस ठीक है ए ठीक है देखो यहां पर बेटा किस तरीके से आएगा यहां पर हमें क्या पूछा इसने इसने पूछा है हमें यहां पर कि भाई आप वेब पेज बताओ भाई देखो मैं यहां पर आपको अलग अलग चीजें क्लियर कर देता हूं सबसे पहले ये जो एस टी टी पी है ये तो आपकी है प्रोटोकॉल डब्ल्यू डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब ये आपका डोमेन नेम हो गया और ये आपका हो जाता है टॉप लेवल डोमेन और ये आपका लास्ट में ना जो बेटा डॉट पी एच पी ये आपका पेज का नाम होता है लॉग इन पेज हाँ लास्ट वाला ऑप्शन नंबर यहां पर बेटा बी आएगा इसमें कि बी जो है यानी कि लॉग इन डॉट पी एच पी जो है ये हमारा क्या है ये एक वेब पेज है बेटा ये क्या है एक वेब इसलिए ऑप्शन नंबर यहां पर मेरा बी आएगा करेक्ट है हा नहीं ये पार्ट्स याद रखो ना बेटा भाई यूआरएल तो सारा ही है पर वेब पेज कौन सा इनमें से वो पूछा पूरे यूआरएल में से ऐसे ध्यान दो आप चलो अगला देखो क्या टाइम स्टार्ट ईमेल हेडर इज आर कंप्राइज कॉम्प्राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड मतलब ईमेल हेडर में क्या क्या शामिल होता है टू सेव सी सी बी सी सी बताइए ईमेल हेडर का भाग कौन सा है ये बताना आपको बताओ ईमेल हेडर का भाग ऑप्शन नंबर कौन सा है बी ठीक है चलो टाइम भी खत्म हो गया बताओ बेटा हेडर मतलब क्या होता है देखो एक तो हमारा मेन कंटेंट होता है बेटा उस कंटेंट के अलावा जो मेन ऊपर की तरफ लिखा होता है आप किसी को पत्र लिखते हो तो उसमें सबसे पहले लिखते हो टू टू के बाद में सी सी बी सी सी तो ये जो आपका सेव है ना सेव नहीं है बाकी पहला तीसरा चौथा ये वाला ऑप्शन नंबर इसमें डी आएगा बेटा डी डी ऑप्शन आएगा अब आप कौन सा कर रहे हो सी कर रहे हो पता नहीं कौन सा ए कर रहे हो पहला तीसरा दूसरा तो हो ही नहीं सकता दूसरा तो हो ही नहीं सकता दूसरा इन तीनों में ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन नंबर डी आएगा इसमें हाँ। अगला देखो क्या है अल्टा विस्टा इज अल्टा विस्टा क्या है अब प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर है ब्राउजर है सर्च इंजन है अल्टा विस्टा क्या है देखो ये जो अल्टा विस्टा है ना ये याहू का बनाया हुआ बेटा ध्यान रखिएगा याहू का ये ये लगभग हमारा आपके उन्नीस के समथिंग आया था ये पर ये है क्या क्या ये प्रोग्राम है सी ब्राउजर है क्या अल्टा विस्टा मैंने लिखाया तो है ब्राउजर तो जहां तक मुझे याद है मैंने ब्राउजर तो नहीं लिखाया बेटा ना, ना 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 ये सर्च इंजन है बेटा हाँ राजवीर का सही है डी आएगा इसमें हाँ पीएस प्रशांत मुकेश सही है ये सर्च इंजन है जैसे गूगल है ना बेटा हमारा गूगल है गूगल वैसे ही ये हमारा क्या है एक सर्च इंजन है सर्च इंजन है बिल्कुल हाँ डग गो याहू बिंग बिंग आपका माइक्रोसॉफ्ट का है बताया था मैंने उस समय याद है ना हाँ बताया हुआ है मेरा अगला देखो क्या है इसमें अब बोर्ड Inserted inside a computer that provides a physical connection to a network is called एक हमारे कंप्यूटर के अंदर एक बोर्ड होता है जो किसी भी नेटवर्क के साथ हमें जुड़ने के लिए जो है एक सुविधा प्रदान करता है जरूरी होता है कौन सा आएगा बेटा बताओ एक बोर्ड होता है कंप्यूटर में देखो भाई रैम होती है जो नेटवर्क से जोड़ने अब देखो मतलब कई बार क्या होता है ऐसे क्वेश्चन हमें नहीं भी आते तो भी हम कर सकते हैं देखो रैम तो एक मेमोरी होती है बिट मेमोरी को मापने का एक वो होता है इकाई होती है बग एक छोटी त्रुटि को कहते हैं यहां पर एन आएगा बेटा एन आई सी एन आई सी इसको बोलते हैं नेटवर्क नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मतलब किसी भी आप नेटवर्क से अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको एनआईसी का यूज करना पड़ेगा हाँ बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं इसमें क्या है अ मेलवेयर दैट सीक्रेटली कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर विदाउट दियर कंसेंट इसको देखो एक ऐसा मेलवेर होता है जो आपका आपकी जानकारी के बिना मतलब आपको पता नहीं होता है फिर भी आपकी जो सीक्रेट जानकारी होती है उसको कलेक्ट करता है कौन सा होता है बताइए ठीक है हरीश आप पीछे चल रहे हो एक तीन चार वो तो क्वेश्चन ही अभी सत्रह नंबर क्वेश्चन चल रहा है सबका सही है देखो स्पाईवेयर जासूसी करने वाला अरे आपकी कोई जासूसी करता है तो आपको बता के करेगा क्या वाली चीज है जासूसी स्पाई यानी कि जासूस यानी कि जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर स्पाइवेयर एग्जैक्टली exactly, स्पाइवे अगला देखिए इसमें क्या है बताइए वट इज उबंटू उबंटू क्या है उबन टू क्या है उबंटू क्या है ओबन टू बताइए उबन टू क्या है ओबंटू एक नाम है ठीक है पर ये किस चीज का नाम है ये बताइए आप ओबन टू किसका नाम है बताइए वेब ब्राउजर ना 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 वेब ब्राउजर तो नहीं होता है नहीं। वेब ब्राउजर नहीं है और कुछ बताओ मैंने बता दिया कुछ हेल्प मैं कर देता हूं ओबन वेब ब्राउजर तो नहीं है मेलवेर है हाँ अभी सही आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा भाई ये उबंटू जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर विंडोज है ना बेटा अरे भाई आपके कंप्यूटर में विंडोज है आपके मोबाइल में बात कर मोबाइल में एंड्रॉयड है एप्पल के मोबाइल में आई यूएस होता है वैसे ही हमारे कंप्यूटर के अंदर एक उबंटू नाम का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप डालना चाहो डाल सकते हो कंप्यूटर में ये भी उपलब्ध है आपको चलाना है तो डाल सकते हो तो उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा। अगला देखिए। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है सिंपल टाइप का क्वेश्चन है अक्सर देखने को मिल जाता है जब मैंने पढ़ाया था तब भी बताया था अब बताओ इसमें कौन सा है भाई एक यूनिट ऐसी है जो बाकी सबसे छोटी है कौन सी है फिर सिंपल सी है बताओ विंडो का नहीं है विंडो अलग होता है ओबन अलग है लीनेक्स होता है यूनिक्स होता है बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है सबसे छोटा अगर मैं बात करूं तो केबी आएगा केबी से बड़ा एमबी एमबी से बड़ा जीबी जी बी से बड़ा टीबी इनकी होती है केबी एमबी जी बी और टीबी ऐसे तो सबसे छोटा के बी और इन्हीं में सबसे बड़ा पूछता तो मैं कहता बी यानी कि आपका टीवी अगला देखो बेटा क्या है बताओ रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं सिवाय बताओ है ना बढ़िया क्वेश्चन बी ठीक है देखो कई बार आपके हो सकता है ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाए जैसे ये देख रहे हो आपको नहीं नहीं समझ समझ में में आया आया है ना नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं पर आप एक बात बताओ बेटा बहुत बार ऐसा होगा आपको समझ में नहीं आएगा पर बाकी ऑप्शन देखो ना आंसर निकल जाएगा बाकी ऑप्शन देखो अब एक बात बताओ जैसे सी डी रोम है भाई सी डी है कंप्यूटर से हटा लो दिक्कत कहा निकल सकती है ठीक है अच्छा दूसरा देखो डीवीडी ये भी निकल जाएगी अच्छा हार्ड डिस्क हार्ड डिस कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती है हार्ड कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती है वो आप हटा नहीं सकते हटाओगे तो कंप्यूटर चलेगा नहीं तो रिमूवेबल नहीं है वो वो फिक्स ड्राइव होती है ऑप्शन नंबर डी आएगा अब जब डी सही हो गया तो डिस्कोट होता होगा कुछ अपना क्या है समझ में आई मेरी बात बेटा तो थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से देखो क्वेश्चन को हाँ वो क्या क्या रहा है किस तरीके से डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग अपन रिएक्ट करेंगे यहां पर हाँ मदरबोर्ड हाँ यहां पर बेटा भाई ये हार्ड डिस्क ड्राइव होती है ना एच जो जिसमें मेन डेटा रहता है वो वाली है इसको हटा नहीं सकते हम लोग डिस्कोड क्या होता है अब वैसे बताने को मैं बता दूंगा पर एक बार आप नेट पे सर्च करेंगे आज ये चीज क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप खुद पढ़ते नहीं हो डिस्कोर्ट नेट पे सर्च करोगे आज आप डिस्कोर्ट स्पेलिंग लो डी आई एस सी ओ टी अगला देखो क्या है? नहीं मिलेगा ना तो कल मेरे से पूछ लेना मैं भूल जाऊंगा तो मेरे को याद करवा देना मैं बताऊंगा क्या होता है Which वन ऑफ द following attributes अलाउ display बट प्रिवेंट्स द यूजर फ्रॉम मॉडिफाइंग और डिलीटिंग एन ऑब्जेक्ट बताइए मतलब वो क्या करता है डिस्प्ले प्रियोड यूजर को मॉडिफाई और डिलीट करने से रोकता है मतलब वो क्या कर देता है विशेष प्रदर्शन की अनुमति देता है वो दिखाता तो है पर उपयोग करता उपयोग करता उसको चेंज नहीं कर सकता है बदल नहीं सकता है बताइए बी 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 राइट देखो बिल्कुल सही है देखो इसमें क्या होता है देखो अगर कोई ऐसी परमिशन आपको दी हुई है कि भाई आप राइट ओनली मतलब आप उसमें लिख सकते हो आपको दिया रीड ओनली अब इसका मतलब ये हो गया कि बी ऑप्शन इसमें सही है इसको मतलब ये कह रहा है कि आप केवल उसको देख सकते हो हाँ केवल पढ़ सकते हो बट उसको चेंज नहीं कर सकते नहीं रोम में होता है बेटा पर जैसे मान लो आपके कंप्यूटर का भी कोई डेटा है ना उसके ऊपर भी आप ये कंडीशन लगा सकते हो कि सामने वाला कोई भी अगर यूज कर रहा है कंप्यूटर को तो उसके अंदर अननेसेसरी वो चेंजेस वगैरह ना कर दे तो ये आप हर किसी भी फाइल के ऊपर एक प्रॉपर्टी के अंदर जाके जो परमिशन होती है ना उनके द्वारा आप सेट कर सकते हो हाँ रोम तो होता ही है रोम तो होता ही है बेटा अगला देखो इसमें क्या है अच्छा ये टेस्ट सीरीज जो है ये आप इसको निश्चित रूप से डाउनलोड करिए हम आपको रेगुलर बताते हैं और बहुत मस्त है क्योंकि ये बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं बेटा तो इसको आज ही परचेस करिए और इसके अंदर पार्टिसिपेट करो और बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व करो इसके लिए एक चीज आपके जो नई है वो ये है कि बेटा इसको इसके लिए आपको यहाँ पर जो है एक नया मंथ एंड सेल जो है वो आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही है इस सेल के अंदर क्या है कि आपका ये जो प्राइस है जैसे थ्री डबल नाइन है इसके ऊपर आपको और ग्यारह परसेंट का डिस्काउंट हो जाएगा ठीक है भाई आपके जो भी कोर्सेज हैं और जो भी आपकी टेस्ट सीरीज है वो आज लास्ट दिन है क्योंकि ये मंथ एंड सेल है तीस और इकतीस जुलाई की सेल है आज इकतीस जुलाई है आज अगर आप इस सेल को प्राप्त कर लेते हो दैट इज गुड नहीं प्राप्त कर पाते हो तो फिर आप इसको जो है चूक जाओगे अब कल अगर आप परचेज करोगे तो ओरिजिनल आपको इसके प्राइस में परचेज करनी पड़ेगी ठीक है और रेफरल कोड जो यहाँ पर है वो गिफ्ट है कोड आपको गिफ्ट यूज करना है तो आप देख लेना जिसके कोडिंग आपको देखना ठीक है चलिए ऐसे ही महिला सुपरवाइजर की भी यहाँ पर उपलब्ध है आप वो भी परचेज करिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए अगला देखिए बेटा बताइए हाउ मेनी ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीम्स कैन बी हैंडल्ड बाई एच हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है हाई डिफिनेशन हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस बताओ क्या आएगा इसमें बी आएगा बिल्कुल देखो एक ऑडियो एक वीडियो सिंपल सी बात है आपका एच क्या करता है एक ऑडियो और एक वीडियो को हैंडल करेगा ज्यादा नहीं कर सकता एट हाँ हाई डिफिनेशन होता है ना आवाज नहीं आ रही है बाकी सबको तो आ रही है बाकी सब तो कह रहे हैं हाँ बी किया है मैंने बिल्कुल बी किया है भाई कितनी ऑडियो और कितनी वीडियो ये हैंडल कर सकता है तो एक ऑडियो करेगा बेटा एच तो एक ऑडियो करेगा एक वीडियो करेगा सिंपल सी बात है ठीक है अगला देखो इसमें क्या है बताओ एन इमेज इज कंपोज्ड ऑफ एक इमेज जो होती है वो किस से बनी होती है क्या वो पेल्स से बनी होती है पिक्सल से बनी होती है डॉट से बनी होती है या ऑल ऑफ दो बताइए अब ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है बेटा देखो अब ये सारे एग्जाम के हैं और ये जहां तक मुझे याद है एक का एक का एक एग्जाम एक हुआ था उसका क्वेश्चन है 2018 का अब ये मत सोचो कि इसमें कोई एरर है मैं ये बताना चाह रहा हूं बेटा चलो ठीक है पिक्सल होती है अच्छी बात है तो मैंने आपको बताया था किसी भी फोटो की क्वालिटी के अंदर जो छोटे छोटे अब जैसे ये स्क्रीन भी आपकी मोबाइल की स्क्रीन है इसमें जो छोटे छोटे ये डॉट है इनको डॉट भी कहते हैं पिक्सल भी कहते हैं ये दोनों सही है दो सही हो नहीं सकते यहां पर ऑल ऑफ दीज आएगा पैल्स, पिक्सल वगैरह ये बोल रहा है ऑप्शन नंबर यहां पर आएगा, ये सभी आएगा इसमें। आएगा बेटा ऑल आएगा यह आपका दो हजार अठारह के अंदर यूपी पी सी एस के अंदर एक एग्जाम हुआ था पीसीएल का वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था हाँ मैंने भी देखा था इस क्वेश्चन को क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने जो है ना एक एक छांट छांट के बहुत मेहनत करके ये क्वेश्चन आपको बनाए हैं हाँ तो ऐसे नहीं है कि कहीं से भी इनको कॉपी पेस्ट नहीं, नहीं नहीं ये सब प्रीवियस एग्जाम के हैं और बिल्कुल छाट छाट के मैं लेके इनको हाँ, डॉट और पिक्सल भी होता है तो डॉट भी कहते हैं पिक्सल भी कहते हैं अब दो जब हो रहे हैं तो इसका मतलब तीसरे पे जाओ आप सिंपल सी बात है अगला देखो इसमें क्या ये कह रहा है ऑन द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी साइज एंड परफॉर्मेंस विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज रेफर्ड टू एज बिग आयरन अच्छा बिग आयरन के नाम से किसको जाना जाता है माइक्रो मिनी मेन या फिर सुपर बताइए बिग आयरन सुपर माना जाता है सुपर को मानते हैं क्या देखो बेटा बिग आयरन जो कहते हैं ना सुनो देखो माइक्रो तो होते हैं जैसे आपसे पूछे सामान्यतः घरों में उपयोग लिए जाने वाले कंप्यूटर कौन से होते हैं आप कहेंगे माइक्रो सामान्यतः घरों के अंदर जो जितने भी डिवाइसेज अपने होते हैं अगर उनमें कोई कंप्यूटर तो वो माइक्रो कंप्यूटर होता है ठीक है मेन फ्रेम स्मॉल कंपनी नहीं मिनी छोटी कंपनी में मेन फ्रेम बड़ी कंपनी में अब ये जो मेन फ्रेम होता है ना बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होता है और इसी को बिग आयरन कहते हैं ऑप्शन नंबर सी आएगा यहां पर हाँ हो सकता नहीं है मेन फ्रेम ही है हाँ, बिल्कुल बिग आयरन मेन फ्रेम बिल्कुल सही अगला देखो क्या है? बताओ द 1950 फिफ्टी बिलोंग्स टू जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1950 के जो कंप्यूटर थे वो कौन सी पीढ़ी के थे फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड बताइए सिंपल सा क्वेश्चन है बताइए फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर है सॉरी 1950 वैसे मैंने बता ही दिया गलती से फर्स्ट जनरेशन आएगा मैंने बोल ही दिया फर्स्ट जन चलिए मैं टिक टिक्की कर देता हूँ इसको फर्स्ट जनरेशन आएगा 1950 देखिए 1942 से लेके 1955 तक और सेकंड है 1956 से लेके 1964 तक थर्ड आपकी है 1965 से लेके 1975 तक फोर्थ वाली है 1976 से लेके 1989 तक और इसके बाद में 1990 से लेके और प्रेजेंट तक ये हमारी फिफ्थ जनरेशन है ये मैंने टाइम इनका दोबारा से बता दिया हाँ वो अलग बात है वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर आईसी वीएलएसआई यूएलएसआई और अलग अलग प्रकार से थी जो है ना तो वो हमने देखा था यहाँ पर अगला देखो इसमें क्या है कंप्यूटर का को प्रयोग करने का लाभ है बताइए क्या लाभ कंप्यूटर का यूज करने का फायदा क्या है लाभ क्या है बताओ जरा सिंपल सी चीज है कौन सा आएगा भाई कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और इसमें विशाल मात्रा में डेटा स्टोर किया जा सकता है बिल्कुल सही बात है भाई ये तो सही बात है सिंपल सी चीज है दूसरा कंप्यूटर तब भी सही आउटपुट देते हैं जब गल... इनपुट गलत हो ये गलत बात है इनपुट गलत होगा तो सही कैसे दे देगा कंप्यूटर इंफ्लेक्सिबल होने के लिए डिजाइन क्या है ना भैया ऐसा कुछ नहीं है केवल इसमें ए नंबर सही आएगा हाँ ढंग से दे देखो उपरोक्त थो सभी थोड़ी होगा इसमें हाँ ऑप्शन नंबर यहां पर ए आएगा केवल और केवल ए आएगा बेटा इसमें थोड़ा सा ढंग से अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा इसमें ए आएगा ए बी ऑप्शन क्या है कंप्यूटर तब भी सही आउटपुट देते हैं जब इनपुट अरे भाई जैसा इनपुट दोगे वैसा आउटपुट आएगा आपने इनपुट गलत दिया है और आउटपुट सही आ जाएगा यह कैसे हो सकता है भाई ना 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 ये नहीं हो सकता गलत बात है हाँ इसमें ऑप्शन नंबर केवल ए सही होगा ये वाला सही होगा अगला देखो क्या है अनदर नेम फॉर कंप्यूटर चिप्स इज माइक्रोचिप मदरबोर्ड सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर बताइए क्या आएगा इसमें अदर नेम फॉर कंप्यूटर चिप इस कंप्यूटर चिप को क्या कहते हैं एक्सैक्ट exactly. देखो अब माइक्रो चिप नहीं कहते क्या इसको एक बात बताओ आप थोड़ा ध्यान से देखो जो आपके कंप्यूटर के चिप है उसको माइक्रो चिप नहीं कहेंगे क्या ये बताओ मेरे को आप जो चिप होती है ना बेटा हाँ, माइक्रो प्रोसेसर अब देखो यही तो चक्कर पड़ता है यही तो चक्कर पड़ता है अब चिप कोई भी हो सकती है सुनो चिप कोई भी हो सकती है आपकी आईसीआई वो भी चिप होती है बेटा माइक्रो प्रोसेसर जरूरी तो माइक्रो देखो माइक्रो चिप बोलेंगे इसको क्यों माइक्रो चिप के अंदर माइक्रो प्रोसेसर भी सही हो गया सुनो भाई जो जितनी भी चिप्स चिप, चिप होगी ना छोटी छोटी चिप लगी होगी उनको हम माइक्रो चिप बोलते हैं आपका माइक्रो प्रोसेसर भी उसी के अंदर आता है आईसी भी उसी के अंदर आता है तो माइक्रो चिप करेंगे ना इसमें कंफ्यूजन हाँ, तो बेटा अब लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो कंफ्यूज तो हो गए भाई यही चीज तो सीखने के लिए हम इस प्रैक्टिस सेशन को कर रहे हैं ना हाँ यही चीज को तो हम क्लियर करने के पढ़ रहे हैं अगला देखो यहां पर क्या है हाँ, माइक्रोप्रोसेसर इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो गया है ठीक है अगला देखो बेटा इसमें क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम ऑफ पेंटियम पेंटियम के नाम से क्या बेचा जाता है मोबाइल की चिप बेची जाती है कंप्यूटर की चिप बेची जाती है या कंप्यूटर बेचे जाते हैं माइक्रो प्रोसेसर बेचे जाते हैं बताइए पेंटियम के नाम से क्या बेचा जाता है ये डी आंसर दे रहे हो डी करेक्ट है बेटा डी करेक्ट है बिल्कुल सही है डी आंसर जो है ना वो सही है पेंटियम के नाम से जो है वो माइक्रो प्रोसेसर बेचे जाते हैं हाँ प्रोसेसर बेचे जाते हैं बिल्कुल सही है डी आएगा पेंटियम हो गया कोर्ट हो गया सेलरोन हो गया है ना अलग अलग प्रकार के माइक्रो आजकल राइजन नाम से चल रहा है राइजन राइजन बहुत चल रहा है एप्पल ने निकाला है एम वन चिप एम वन एम वन चिप एम टू चिप याद करो वो भी माइक्रो प्रोसेसर है अगला देखो इसमें क्या है फॉलोइंग and एंड डेटा करंटली एग्जीक्यूटेड बाई CPU? मतलब CPU जो हमारा करंटली जिस डेटा पर काम कर रहा है ठीक है हाँ ऑप्शन लेवल के तो देंगे तभी तो समझ में आएगा भाई CPU जिस डेटा पर राइट नाउ काम कर रहा है वो डेटा कहाँ रखा जाता है बेटा बताइए रैम में तो रखते हैं पर वो रैम तो है ही नहीं ना यहाँ पर कौन सा आएगा पता ये बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल दिल्ली पुलिस के लिए बहुत है बेटा देखो यहाँ पर ये तीनों जो है ये एक ही होती है ये सेकेंडरी के अलग अलग नाम है बेटा ऑक्सिलरी हो गया है ना टेरिटरी मेमोरी टेरिटरी तो वैसे ही कोई मेमोरी नहीं होती है ये दोनों सेकेंडरी के नेम हो गए प्राइमरी आएगा क्योंकि हमारा रैम कह दीजिए वो प्राइमरी में आता है रोम कह दीजिए प्राइमरी में आता है तो वही तो रखते हैं हमारे डेटा को टेम्प्ररीली जब हम उस डेटा पर काम करते हैं है ना चलिए अगला देखिए बेटा इसमें क्या है अ पर्सन इज कॉल्ड कंप्यूटर लिटेड इफ ही शी इज जस्ट एबल टू रन नीड बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर राइट कंप्यूटर्स बताइए लिटरेट अब यहां पर एक चीज आती है कंप्यूटर लिटरेसी डे सेकेंड दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेकेंड वर्ल्ड को मनाया जाता है और भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला मलपुरम है ठीक है और इसी प्रकार से यहाँ पर बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए सही है भाई लिटरेट किसको बोलते हैं कंप्यूटर साक्षर उसको बोलते हैं जो दैनिक आवश्यकता वाले जो सॉफ्टवेयर हैं उनको चला सके ऐसा नहीं कि आपको वीडियो एडिट करके दिखा फिर मैं मानू नहीं ऐसे नहीं होता है ऐसे नहीं होता है एक दैनिक जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर जो चला सकता है ना वो हमारा कंप्यूटर लिटरेट होता है बेटा हाँ अगला देखिए इसमें क्या है एमएस विच की शुड एम एस वर्ड है बेटा ये ठीक है ये गलत हो गया है टाइप एमएस वर्ड एम एस वर्ड में विच की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट ए न्यू पेज इन भाई नया पेज अगर आपको लेके आना है ना नया पेज लेके आना है उसके लिए कौन सी की आएगी बताओ बेटा जरा न्यू पेज के लिए कौन सी आएगी न्यू पेज इंसर्ट करने का शॉर्टकट कर क्या होगा कंट्रोल प्लस में एंटर थैंक यू सो मच पवन गुजर ऑप्शन नंबर बेटा यहां पर देखो ध्यान से शिफ्ट प्लस एंटर नहीं होता है कंट्रोल प्लस में एंटर होता है इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है पेज ब्रेक पेज ब्रेक भाई पेज ब्रेक जब आप करते हो ना तो नया पेज इंसर्ट हो जाता है हाँ कंट्रोल प्लस में एंटर होता है बेटा ध्यान रखिएगा ये कंट्रोल प्लस में एंटर होता है शिफ्ट प्लस में नहीं होता है दूसरे शब्दों में इसको पेज ब्रेक कहते हैं कि भाई पेज ब्रेक का शॉर्टकट क्या होता है ऐसे करके भी पूछ लेता है ठीक है ना अगला देखो द स्पेशलिटी ऑफ वर्ड वर्ड रैप अच्छा वर्ड रैप है ये कोई नहीं हिंदी में पढ़ लो वर्ड रैप दिया हुआ है ये रैप की स्पेलिंग गलत है ये डब्ल्यू आर ए पी होता है word ठीक है ये गलत है r आर p लिखा हुआ है ये गलत है बताओ ऑटोमेटिकली मूव द टैक्स टू द नेक्स्ट लाइन डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में प्रकट होता है यह टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा देता है डॉक्यूमेंट के अंत को दर्शाता है बताइए क्या करेगा बेटा देखो इसमें क्या है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है देखो इसमें क्या होता है कि जब हम वर्ड रैप को यूज करते हैं ना वर्ड रैप को यूज करते यहां पर क्या है यहां पर क्या है कि वर्ड रैप फीचर जो है ये हमारा क्या करता है जैसे आप कुछ भी लिख रहे हो तो लिखते समय क्या करता है जो भी हमारा कंटेंट है उसका जैसे लाइन के अंदर पूरी लाइन के अंत में जैसे वो शब्द बड़ा है तो उसको ऑटोमेटिकली नई लाइन में ले आता है मतलब ऑटोमेटिकली मूव द टेक्स द नेक्स्ट लाइन वेन नेसेसरी ये आवश्यकता जैसे मान लो अब ये शब्द है यहाँ नहीं आएगा नहीं आएगा तो इसको ऑटोमेटिकली अलग लाइन में ले आए हाँ ऐसे करता है हाइफनेशन हाँ हाइफनेशन भी होता है हाइफनेशन भी हाइफनेशन तो शब्द को तोड़ता है बेटा सुनो हाइफनेशन तो शब्द को तोड़ देता है जैसे कोई शब्द है एप्लीकेशन तो ए डबल पी फिर आएगा एल आई सी ए टी शब्द को तोड़ता है ये तोड़ता नहीं है ये पूरा शब्द ही उठा के नीचे डाल देता है हां हाइफनेशन हाँ। भी करता है पर हाइफनेशन बेटा वर्ड को तोड़कर उस पंक्ति की चौड़ाई में व्यवस्थित करता है उसको अगला देखो इसमें क्या है वट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोविंग एमएस एक्सएल फॉर्मूला इस फॉर्मूले का उत्तर क्या होगा हां भाई दिल्ली पुलिस का जो कर रहे हैं ना तैयारी ध्यान से देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस में बताओ क्या आएगा इसमें इसका आंसर क्या होगा

सी होगा सी हा अगला देखो बेटा क्या है इन व्यू ऑफ एम एस पावर पॉइंट द यूजर कैन सी ओनली द टेक्स्ट ऑफ द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन मतलब एक ऐसा व्यू है जिसमें जो यूजर है वो केवल आपके प्रेजेंटेशन के अंदर केवल टेक्स्ट देख सकता है बेटा कौन सा व्यू होता है बताओ कौन सा व्यू होता, होता है भाई उसमें ना केवल टेक्स्ट दिखता है फालतू की चीजें नहीं दिखती है फोटो वोटो नहीं दिखेगी टेक्स्ट दिखेगा कौन सा होता है टाइम आपका फिनिश हो गया है हाँ, देखो यहां पर जो ऑप्शन अपना आएगा ना ऑप्शन इसमें आएगा यहां पर आउटलाइन कितना आएगा आउटलाइन आउटलाइन ऑप्शन आएगा यहां पर हा चलो तीन क्वेश्चन और हैं इनको और करते हैं फिर सर भी आपका वेट कर रहे हैं अगले क्वेश्चन एआई इन कंप्यूटर फील्ड मीन कंप्यूटर के संदर्भ में ए आई का मतलब क्या होता है ए आई का मतलब क्या होता है एयर इंडिया है ना एंटरमोटिन इंजरी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा? अरे बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है ए आई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि जिसको बोलते हैं बिल्कुल सही है अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है अगला क्वेश्चन देखो क्या है वॉट इज द स्मॉलेस्ट फोन साइज फोन साइज वॉट इज दस्ट फोन साइज दैट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम फोन साइज इन एम एस वर्ड दो हजार सात भाई सबसे छोटा कौन सा होता है जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं बताओ बेटा एम एस वर्ड में सबसे छोटा जो सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं वो आठ है और वैसे आप टाइप करके डाल सकते हो एक सेलेक्ट कर सकते हो वो आठ है टाइप हाँ आठ आएगा इसमें आठ चलिए आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडो वाज़ लॉन्च्ड इन एमएस विंडो माइक्रोसॉफ्ट विंडो का पहला वर्जन कब लॉन्च किया गया था बताइए बेटा कब लॉन्च किया गया था एम एस वर्ड का पहला वर्जन लॉन्च किया गया था 1985 में बिल्कुल 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 ठीक है चलिए तो इसी के साथ ये हमारी आज की क्विज थी आई होप आप सब लोगों को बढ़िया समय में आया होगा और समय में आया इसी तरीके से रेगुलर जुड़े रहिए और बढ़िया हम लोग लेवल के क्वेश्चन डेली करने वाले हैं ठीक है हाँ चलिए बहुत बढ़िया अब आपके नेक्स्ट क्लास जो है वो सर वेट कर रहे हैं आपका तो आइए सर वेलकम नमस्कार सभी को राधे राधे जय श्री कृष्णा हम भी अपनी फाइल लगा लेते हैं एक बार मिनट के लिए आप भाई कैसे हो सभी को नमस्कार जय श्री कृष्णा गुड इवनिंग सभी को राधे राधे और हाँ भाई कैसे हो आप सभी लोग सभी को जय जोहार जय आदिवासी नमस्कार भाई भावेश राठौड़ जी नमस्कार जय श्री कृष्णा अब ये शुरुआत कर देते हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन जिसमें हम मूल रूप से राजस्थान की जो पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हमारा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक क्या रहने वाला है आप सभी को इस बात का विधिवत रूप से पता भी है कि हम इस समय राज्यपाल को हमने फिनिश किया है उसके बाद में विधानमंडल और मुख्यमंत्री का जो टॉपिक था हम वो पढ़ने जा रहे हैं और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं हैं सभी को गुड इवनिंग ओके भाई चलो जी बात करते क्वेश्चन संख्या एक के ऊपर आ जाओ भैया आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ चुका है कौन सा कथन जो है गलत है मुख्यमंत्री संसदीय सचिव की नियुक्ति करते हैं और पद की शपथ दिलाते हैं मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जाती है राज्य सरकारें विधायकों में से संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर रही है तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप शामिल है चलो भैया इसमें से आपको क्या छाटना है भाई गलत को है और गलत फटाफट से बता दीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है आज ठीक है तो आप लेवल के क्वेश्चन है और सारे के सारे मैं तो जो भी क्वेश्चन जो लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है वही हम पढ़ते हैं केवल और केवल उसी के ऊपर चर्चा करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज क्या होते हैं भाई रिपीट होते हैं क्लास का टाइम यही रहेगा भाई एक के कुमार जी हमारा जो रोज का क्लास का टाइम रहता है चार से पांच का तो आपका कंप्यूटर रहेगा और इसके बाद में पांच से छह जो है आपका पॉलिटी वाला सेशन रहेगा और इसके बाद में हो सकता है आज एक और मैराथन मेरे को लेनी हो पड़ सकती है कौन सी वाली जो हमारी एक और मैराथन होती है उसमें भी हो सकता है मैं आपको रूबरू सेकंड ग्रेड में में एक क्वेश्चन तो हमारी क्लास में से मिला तो तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री पढ़ा है, तो है तो कम कम पंद्रह टॉपिक और पढ़ने हैं तो मैं तो कहता हूँ भाई पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे थोड़ा समय का वेट करो इसका राइट आंसर हाँ जल्दी लाऊंगा भाई अविना कुमारी आयोग के क्वेश्चन जल्दी लेके आऊंगा इसका राइट आंसर क्या दिया आप लोगों ने दी दे रहे हैं बिल्कुल सही है मुख्यमंत्री संसदीय सचिवों की नियुक्ति करता है पद की शपथ दिलाता है बिल्कुल सही बात मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जाती है बिल्कुल सही बात राज्य सरकारें विधायकों में से संसदीय सचिवों की नियुक्ति करती है बिल्कुल सही बात तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप शामिल है जी नहीं यानी कि तीसरी अनुसूची में केवल और केवल जो हमारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं हमारे जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उन्हीं को शपथ दिलाई जाती है और एक और बात मैं आपको बता दूं तीसरी अनुसूची में दो लोगों का नाम नहीं आएगा एक आपके राज्यपाल का 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 जिक्र जिक्र इसमें इसमें नहीं नहीं होता होता है है और एक राष्ट्रपति राष्ट्रपति राज्यपाल होगा का नहीं होगा क्योंकि राज्यपाल को जो शपथ दिलाई जाती है वो अनुच्छेद 60 के आसपास है और इसको जो है अनुच्छेद के आसपास है राष्ट्रपति को 60 में राज्यपाल को गसठ में ये दो लोग इसमें नहीं आते हैं बात करते हैं संसदीय सचिव दोस्तों ध्यान रखना ये एक असंवैधानिक पद है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पद है इस पद का जो गठन है भारत में बहुत बाद में हुआ है संविधान में इसका जिक्र नहीं है दूसरा इसी के चलते दिल्ली में केजरीवाल की सरकार के 20 एम को जो है क्या कर दिया गया था बर्खास्त कर दिया गया था क्यों बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि इनको जो है मंत्री के समान दर्जा मिलता है जब इनको मंत्री के समान दर्जा मिलता है तो ये मंत्री के पद पर भी रहते हैं और संसदीय सचिव के पद पर भी रहते हैं इसलिए हाईकोर्ट ने इसका जो है दिल्ली सरकार के बीस एम को क्या कर दिया था इनकी मान्यता रद्द कर दी थी क्योंकि एक व्यक्ति एक साथ एक ही पद पर रह सकता है और संसदीय सचिव को मंत्री के समकक्ष समझते हैं और इसको जो शपथ दिलाता है इसको शपथ कौन दिलाता है मुख्यमंत्री दिलाता है ध्यान रखना भाई इसको शपथ कौन दिलाता है भाई आपका मुख्यमंत्री क्या दिलाता है इसको शपथ दिलाता है बिल्कुल उन्नीस में मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार के समय ये पद जो है नया जोड़ा गया था राजस्थान में राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब प्रारंभ की गई थी राजस्थान में राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की अभी मैंने बात की चतुर्थ विधानसभा सप्तम विधानसभा पंचम विधानसभा और तृतीय विधानसभा अभी एक विद्यार्थी ने उत्तर भी दिया है उन्नीस में और उन्नीस में मोहन लाल जी मोहन जी हमारे देश के राज्य के क्या थे सीएम थे ठीक है और ये कौन सी विधानसभा के भीतर की बात है चतुर्थ सप्तम पंचम और तृतीय भाई कौन सी विधानसभा की छठी विधानसभा डी बता रहे हो ए बता रहे हो कुछ विद्यार्थी डी बता रहे हैं कुछ ए बता रहे हैं चलो जी बात करते हैं कि कौन सी विधानसभा तो भैया आप लोगों का नॉलेज धीरे धीरे घट बढ़ रहा है इसका मैं क्या बताऊं आपको उन्नीस में सीधा कितना जोड़ो सत्तावन जो पांच जोड़ो सत्तावन प्रथम विधानसभा दूसरी विधानसभा उन्नीस में फिर से आप पांच जोड़ोगे तो उन्नीस हो जाएगा है ना और ये हो जाएगा तीसरी विधानसभा उन्नीस बासठ से लेकर के उन्नीस सड़सठ और चौथी विधानसभा है उन्नीस सड़सठ से लेकर के उन्नीस बेहतर है हाँ ना भाई तो राइट आंसर इसका अब क्या हो जाएगा आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर हो जाएगा देखना तीसरी और चौथी दोनों में सड़सठ है तो भैया ये चतुर्थ विधानसभा में हुआ है कौन सी में हुआ है, है? चतुर्थ विधानसभा में होगा ए होगा है हाँ ना भाई ध्यान रखना ए होगा और ध्यान रखना दोनों में सड़सठ है तो इसका जो लास्ट टाइम था और इसका प्रारंभिक जो समय था चतुर्थ विधानसभा का उसी समय इसको क्या किया गया था जोड़ा गया था तो समझ में आ गया होगा हाँ सड़सठ में हाँ हाँ यही उत्तर माना था लास्ट में जब ये आप बता रहे हो ये प्रश्न जो आया हुआ है इसमें चतुर्थ विधानसभा ही लास्ट फाइनल और ये शायद पटवार में आया हुआ प्रश्न है पटवार में या ग्राम सेवक में आया हुआ प्रश्न है ना तो इसका राइट आंसर क्या माना था भाई यही माना था चतुर्थ विधानसभा हाँ आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या के ऊपर राजस्थान मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है ऐसा ही दो का प्रश्न है उन्तीस प्लस एक ग्यारह प्लस एक पंद्रह प्लस एक और बारह प्लस एक चलो जी भाई राजस्थान में मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है राजस्थान पीएसआई 2016 का प्रश्न है आप लोग क्या उत्तर दे रहे हैं कुछ विद्यार्थी ए बता रहे हैं कुछ बी बता रहे हैं चलो जी बता दीजिएगा फटाफट से बता दो इतना समय क्यों ले रहे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी बता दीजिएगा उत्तर आपने ग्यारह प्लस एक दिया है ग्यारह प्लस एक बिल्कुल सही बात बिल्कुल सही उत्तर दिया है ग्यारह प्लस एक जिन्होंने गुणतीस प्लस एक दिया है उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि आगे से आप ध्यान रखें यहाँ पे न्यूनतम पूछा है ये कौन सा प्रावधान है मेरे भाई ये तो अधिकतम प्रावधान है ये कौन सा प्रावधान है अधिकतम और ये कौन सा प्रावधान है न्यूनतम प्रावधान है तो न्यूनतम तो इससे कम नहीं होंगे और अधिकतम इससे ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि ये तो आपको पता है राजस्थान में 200 विधायक सीटें हैं उसका कितना प्रतिशत पंद्रह प्रतिशत अब आगे एक प्रश्न आएगा कि कौन से संविधान संशोधन के तहत ये संख्या जो थी वो बढ़ाई गई थी और घटाई गई थी सर क्लास रुक रही है नहीं भाई क्लास नहीं रुक रही है आपके वहां नेट में इशू हो सकता है क्लास सही चल रही है ना अगला है राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जवाबदेही होती है मंत्री परिषद भारतीय संसद के प्रति राज्यपाल के प्रति राष्ट्रपति के प्रति और राज्य विधानसभा के प्रति मंत्री परिषद दो प्रकार के प्रश्न आते हैं एक व्यक्तिगत रूप से और एक होता है सामूहिक रूप से व्यक्तिगत रूप से और एक होता है सामूहिक रूप से एक व्यक्तिगत रूप से होता है और एक सामूहिक रूप से होता है बिल्कुल मुकेश दया ने बता दिया है हाँ, केंद्र से वहां पर नहीं है ना संसद में लागू नहीं होता है राज्य विधान मंडलों में लागू होता है एक मिनट एक मिनट क्या कह रही केंद्र में ध्यान रखना केंद्र में न्यूनतम का प्रावधान नहीं है केंद्र में अधिकतम का प्रावधान है अधिकतम का प्रावधान है भाई ध्यान रखना केंद्र में अधिकतम का प्रावधान है ध्यान रखना ठीक है राइट आंसर क्या होगा भाई राइट आंसर डी बता रहे हो क्या राज्य विधानसभा के प्रति तो क्या होता है सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा तो के प्रति तो अनुच्छेद एक में अनुच्छेद एक में तो किसके प्रति होता है भाई ये होता है राज्य विधानसभा के है ना और चौसठ वाला जो आर्टिकल है और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होता है व्यक्तिगत रूप से अगर आपसे पूछ लेता है तो राज्यपाल अगर इसी चीज को हम सेंटर में ले जाएंगे तो ये किसके प्रति हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति है ना राष्ट्रपति और यहां पर हो जाएगा क्या संसद। अगर यही बात हम केंद्र में लागू करते हैं तो संसद के प्रति और वहां राष्ट्रपति के प्रति क्या हो जाएगा ये उत्तरदायी हो जाएगा राजस्थान के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है अभी मुकेश भैया ने उत्तर दिया है और आप लोग क्या उत्तर दे रहे हो बिल्कुल राइट आंसर संविधान संशोधन दो हजार तीन दो हजार नौ 91वां अमेंडमेंट जो है दो हजार तीन और सेवनटी फाइव अमेंडमेंट जो है वो दो उन्नीस सौ तिरानवे भैया कब किया गया था और किस पीएम के समय ये कार्यकाल या किस राष्ट्रपति के समय ये कानून बना था जल्दी से कमेंट करके आप मुझे ये बताएंगे उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे बिल्कुल राइट उत्तर दिया है 91वां संविधान संशोधन 2003 बिल्कुल सही उत्तर दिया है 91वां संविधान संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल राइट सही कहा आपने उस समय हमारे देश के अटल जी क्या थे पीएम थे क्योंकि अटल जी का कार्यकाल जो स्टार्ट हुआ था उन्नीस से लेकर के 2004 तक तो कौन पीएम थे अटल जी थे और इस समय अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति आपके कौन थे अब्दुल कलाम ए पी जे अब्दुल कलाम हमारे देश के क्या बन गए थे राष्ट्रपति क्योंकि इनका कार्यकाल दो से लेकर के साथ पांच छह सात सी भाई दो हजार दो से दो हजार सात तक जो थे वो आपके कौन थे एपीजे अब्दुल कलाम थे तो ये दोनों के कार्यकाल भी आपको ध्यान में रखना होता है बिल्कुल पोखरन वाला जो हुआ था अट्ठानवे में इन्हीं के समय हुआ था राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है पंद्रह तीस बीस और पच्चीस राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित पूछा है और अबकी बार क्या पूछा है भाई अधिकतम पूछा है तो आप लोगों के लिए दोनों ही प्रश्न एग्जाम में इस प्रकार से पूछे जा चुके हैं पीएसआई में तो आपको क्या पूछा है न्यूनतम पूछा है और यहां पर आपको वापस क्या पूछ लेता है है ये सेकंड सेकंड ग्रेड ग्रेड का प्रश्न में आया था तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ से क्या पूछ रहा है भैया अधिकतम पूछा है तो अधिकतम हम दो का पंद्रह जब निकालते हैं तो अधिकतम कितना निकलता है तीस निकलता है तीस को हम इस प्रकार से निकालते हैं एक तो बनेगा क्या जिसे बीन कहते हैं मेरी भाषा में बीन यानी दूल्हा और गुणतीस इसके क्या होते हैं भैया बराती होते हैं ये बराती कौन होते हैं मंत्री होते हैं एक बीन गुणतीस बराती वाली स्थिति समझ लेना तीस में से इस प्रकार से इसको डिवाइड किया जाएगा और सभी ने बिल्कुल न्यूनतम का प्रावधान जो होता है हाँ मैं एक और बात आपको बता दूँ न्यूनतम वाला जो क्राइटेरिया है वो क्यों होता है ग्यारह प्लस एक सी होता है न्यूनतम में टोटल बारह होते हैं तो जहां पर सीटें कम है है ना जहाँ पर सीटें कम है वहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया बार बार गुड मॉर्निंग एसपी की ट्रिक से नाम से बताया था कि वे विधानसभा जहां जहाँ चालीस से कम सीटें हैं गोवा में चालीस हैं मिजोरम में चालीस हैं सिक्किम में बत्तीस है और पांडिचेरी में कितनी है तीस है तो ये ऐसे राज्य हैं जहां पर 60 से कम सीटें हैं तो यहां पर न्यूनतम जो है वो क्या किया जाएगा वो ये वाला फॉर्मूला अपनाया जाएगा आगे बात करते हैं संख्या सात के ऊपर राज्य के प्रशासन एवं विधायन के प्रस्तावों से संबंधित मामलों में मुख्यमंत्री सूचना प्राप्त कर सकता है राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री राज्यपाल और उच्च न्यायालय में यानी कि राज्य के प्रशासन और विधायन के संबंधी मामलों में कौन मुख्यमंत्री से क्या ले सकता है सलाह और परामर्श ले सकता है कोई बात नहीं राजेंद्र जी ने अपना जो भी स्टेटमेंट दिया है वो राजनीतिक स्टेटमेंट है उसमें चलता रहता है क्योंकि वो राजनीतिक स्टेटमेंट से ही चुनाव जीतने के लिए माहौल बना रहे हैं अब आप सभी को बताया राजनीति अलग ही चीज होती है राजनीति आपको भी आनी चाहिए और आनी चाहिए उत्तम किस्म की राजनीति उत्तम किस्म की राजनीति आनी चाहिए बहुत ही लेवल की राजनीति आनी चाहिए अगर आपको राजनीति नहीं आती है तो भैया सीख लो बहुत जरूरी है क्योंकि राजनीति आएगी तो आप सिलेक्शन भी ले पाओगे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल और उच्च न्यायालय तो राइट आंसर होगा बिल्कुल मुख्यमंत्री से कौन सलाह ले सकता है यानी कि कौन क्या मांग सकता है जानकारियां या सूचना मांग सकता है राज्यपाल के पास में पावर है कि ये मुख्यमंत्री से संबंधित मामलों पर अनुच्छेद एक में यहां कर्तव्य है एक में मुख्यमंत्री का कर्तव्य है यहाँ पर कि उसको क्या देगा इनके मामलों की क्या देगा जानकारी देगा <coughs> राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अधिकतम अनुमत जो है संख्या है राज्य विधानमंडल का टेन परसेंट राज्य विधान मंडल का पंद्रह परसेंट राज्य विधान मंडल का पंद्रह प्रतिशत एक ही शब्द इन्होंने रिपीट कर दिया है थोड़ा सा चेंज करना था विधानमंडल की जगह यहाँ पे विधानसभा करो <coughs> संविधान में निर्धारित नहीं है राज्य मंत्रिमंडल में सदस्यों की अनुमन संख्या है तो इसका राइट आंसर होगा <coughs> इसका राइट आंसर क्या होगा चलो जी सब लोगों ने गुणतीस प्लस एक बताया है ओके भाई सबने अब मैं इसका उत्तर एक विद्यार्थी है बिल्कुल इन्होंने सही बत, उत्तर बताया एक एक कुंभावत ने सही बताया है। और टीजे है ना ये पुरोहित जी ने भी सही बताया है बिल्कुल ध्यान रखना मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल का जो उल्लेख हुआ है वो नहीं हुआ है तो यानी कि ध्यान रखना आपको दो प्रकार के मंत्री पढ़ने को मिलते हैं एक तो हम पढ़ते हैं मंत्रिमंडल एक पढ़ते मंत्रिमंडल और एक पढ़ते हैं मंत्री परिषद क्या पढ़ते हैं मंत्री परिषद पढ़ते हैं तो भाई मेरे समझ लो यहां मंत्री परिषद का आकार तो संविधान तय करता है लेकिन मंत्रिमंडल का आकार संविधान तय नहीं करता है क्योंकि मंत्रिमंडल में केवल कौन कौन आते हैं भाई केवल और केवल एक तो आते हैं कैबिनेट मंत्री और एक आता है आपका सीएम इसलिए मंत्रिमंडल का आकार नहीं है मंत्री परिषद में कौन कौन आते हैं मंत्री परिषद में सबसे बड़ा सीएम उसके बाद में कैबिनेट उसके बाद में कैबिनेट के बाद में राज्य मंत्री और उसके बाद में आते हैं उप मंत्री है ना और एक और प्रकार का मंत्री आता है संसदीय सचिव लेकिन संसदीय सचिव को इस संख्या में शामिल नहीं किया जाता हालांकि मंत्री के समकक्ष तो है मंत्री के समान शक्तियों का प्रयोग करता है लेकिन ये संविधानिक नहीं है तो हमारे संविधान में इन चार का ही क्या हुआ है उल्लेख और इसी को क्या कहा जाता है मंत्री परिषद कहा जाता है समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों ओके okay. राइट आंसर मंत्रिमंडल में ओनली बिल्कुल राइट right आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचान लिया यानी कि देखना भाई जहां पर ये वाला जो ऑप्शन आता है कई बार लास्ट में चौथा ऑप्शन अक्सर यही आता है कि इनमें से कोई नहीं तो आपको जब एग्जाम हॉल में आप बैठे और आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई दे जाए तो उस पर्शन को तीन बार पढ़ना क्योंकि एक बार जब आपने पढ़ा तो आपको इसमें इतना ही लगा राज्य विधानसभा का कितना प्रतिशत होगा कितना होगा पंद्रह प्रतिशत होगा लेकिन जब आप ऐसा ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है तो उस प्रश्न को तीन बार पढ़ लेना क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हुए हो कि उस प्रश्न का एक बार में उत्तर दे पाओ हाँ इंटेलिजेंट तो हो लेकिन वो प्रश्न आपको धोखा दे रहा है आपको क्या दे रहा है धोखा दे रहा है तो हाँ क्लास सही चल रही है चेतना सही चल रही है क्लास कोई दिक्कत नहीं है अपना नेट जो है वो वापस रिफ्रेश करो राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं बत्तों का निर्धारण किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यपाल के द्वारा मुख्य सचिव के द्वारा राज्य विधान मंडल के द्वारा राज्य सरकार के मंत्रियों हाँ मुकेश जी ने बिल्कुल सही कहा कि अकाउंटेंट वाला जो पेपर है सेकंड पेपर पंगा उसी में फंसा हुआ है क्योंकि अब जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं उनके लिए सी तो क्लियर कर लिया बहुत अच्छे नंबरों से लेकिन उनके लिए इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है यानी कि पेपर सेकंड वाला हाँ बिल्कुल सही भी है और ये जिनके रहा है उनको फायदा मिलेगा हाँ हालाँकि आर्ट्स वाला बच्चा जो होता है मेरी नज़र में आर्ट्स वाले स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा मैं कदर करता हूँ आर्ट्स का मतलब होता है कलाधारी भैया बहुत कला में प्रवीण होता है आर्ट्स वाला बच्चा जो होता है कलाधारी होता है और बहुत ज्यादा प्रवीण होता है हर चीज में टांग अड़ा सकता है इतना इसमें कॉमन सेंस पावर होता है मेरे दृष्टिकोण से मेरे परस्पेक्टिव से मेरे नजरिए से तो भैया मैं आर्ट्स वालों को हमेशा सर्वोच्च सम्मान पर रखता हूँ और मैं ही नहीं आप देख लीजिएगा आई ए एस अब से पहले के अब वाले तो खैर इंग्लिश मीडियम और ये क्या नाम है बी टेक वाले जो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और पिछले आर एस उठा कर देख लो 2010 से पहले पहले के 2010 से पहले के आई एस और आर एस उठा के देख लो सारे के सारे यही डिपार्टमेंट के लोग इन पर काबिज़ हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल के द्वारा हर हाँ, चित्रकला चित्रकला वाला नहीं होगा भैया चित्रकला अलग चीज है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है अनुच्छेद एक में राज्य मंत्री का उल्लेख है कि राज्यपाल को परामर्श व सलाह देने का कार्य करती है एक में राज्य मंत्री परिषद का उल्लेख राज्यपाल को सलाह और परामर्श देने का कार्य करती है राज्य मंत्री परिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी न्यायपालिका द्वारा इसकी जांच की जा सकती है राज्यपाल को क्या सलाह दी न्यायालय इसकी जांच कर सकता है क्या मंत्री परिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करता है और अमेंडमेंट द्वारा परिषद का आकार निश्चित कर दिया अनुच्छेद में अनुद्छेद चौसठ एक में इसको क्या किया गया है जोड़ा गया है कल सेकंड ग्रेड में यहाँ से एक प्रश्न आया था कि अनुच्छेद पिछहत्तर एक में क्या लिखा हुआ है तो यहाँ पे आकार लिखा हुआ है मंत्री परिषद का क्या लिखा हुआ है आकार सुनिश्चित है ठीक है ओके भाई हा मुकेश जी बहुत बढ़िया करो बहुत अच्छी बात है बहुत ही शानदार वैकेंसी है जूनियर अकाउंटेंट की और वीडियो की भी वैसे मैं नहीं कहूंगा कि बहुत कमजोर वैकेंसी है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर गांव के तो भैया सरपंच के बाद में आपकी ज्यादा वैल्यू होती है तो मुझे पता है वीडियो साहब आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू है गांव के आप विकास अधिकारी हैं एक तो हम पहले ही, अभी तो नाम भी चेंज हो गया पहले तो उसको ग्राम सेवक बोलते थे लेकिन अब 2017-18 के बाद में नाम भी इसका विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया है बहुत अच्छी पोस्ट है गांव के हिसाब से तो नहीं नहीं देखो मैं किसी को यह नहीं कर रहा मेरी नजर की बात कर रहा हूं मेरा परस्पेक्टिव है बाकी तो भैया साइंस वाला दुनिया को साइंस ने चलाया है भूगोल ने चलाया है हर चीज में अपना अपना दृष्टिकोण मैथमेटिक्स भी जरूरी होता है मैं मेरे दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं इसमें से आपको गलत को छाटना है ओके तो इसको गलत को छाटना है क्या इसमें से कौन सा कथन सत्य है इसमें से कौन सा कथन सत्य है क्या आप लोग सही बता रहे हो क्या तो इसमें से आपको ये वाला हटा देना है बाकी तो एक दो और चार यानी कि एक क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा वन टू फोर हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि कभी भी सलाह के ऊपर न्यायपालिका इसकी क्या नहीं कर सकता भाई जांच नहीं कर सकता है न्यायपालिका इसकी जांच नहीं कर सकता है ठीक भाई ओके सही बताया आप लोगों ने बहुत अच्छा निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, है? राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेही होती है मंत्रियों की नियुक्ति तथा उनको शपथ राज्यपाल दिलाता है मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है यदि नहीं भी हो तो छह माह के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है संसदीय सचिव की नियुक्ति राज्यपाल करता है शपथ मुख्यमंत्री दिलाता है हाँ भाई इसमें भी आपको क्या छाटना है असत्य छाटना है आप बताओ जब तक मैं आप लोगों के कमेंट्स को शो कर लेता हूं चार बता भी दिया अरे वाह भाई कितने जीनियस विद्यार्थी है क्लास में मतलब गुरुजी से भी अग्रणी और मैं तो चाहता हूं कि हर विद्यार्थी गुरुजी से हमेशा अग्रणी रहे बिल्कुल ओके एक दो तीन तो सही है एक दो तीन तो बिल्कुल ये भी सही है ये भी सही है और ये भी सही है लेकिन संसदीय सचिव की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता इसको हटाओ और यहां पर क्या करो सीएम करो अब देखो यहां पर तो आप लोग उत्तर कैसे भी दे दो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एग्जाम में जब हॉल में आप बैठते हो तो फिर हमारे को ये चारों के चारों ही सही लगते हैं और चारों के चारों ही वही गलत दिखाई देते हैं वहां जाने के बाद में मामला थोड़ा सा उल्टा हो जाता है चारों जो सही दिखाई देते हैं और चारों गलत दिखाई देते हैं लेकिन कुछ माइनर जो लैंग्वेज है इन टेक्निकल शब्दों के नीचे अंडरलाइन कर दो फिर आप इस इन तथ्यों को ढंग से पढ़ो तो शायद मेरे हिसाब से आपको उत्तर अवश्य मिल जाएगा संविधान के अनुसार राज्य मंत्री परिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही बनी रहती है यहाँ राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत प्रसाद पर्यंत का अगर एक बात हम करें तो ये इच्छा पर्यंत भी होता है इसको हम क्या बोल सकते हैं इच्छा पर्यंत भी बोलते हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत और विधानसभा के प्रसाद पर्यंत भाई हाँ ओके बारा का सी बता रहे हो भाई इसका उत्तर अभी अभी तक तक आया नहीं अभी तक एक विद्यार्थी ने लगभग इसका सही उत्तर दिया है बाकी का तो अभी तक उत्तर जो चल रहा है डाइट डाइवर्ट में चल रहा है एक के कुंभावत ने भी सही उत्तर के आसपास जो है क्लिक किया है और बिल्कुल सही उत्तर है विधानसभा के प्रयास प्रसाद पर्यंत जो हम ये पढ़ते हैं ना राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत इस पद पर बने रहते हैं तो विधानसभा के प्रसाद पर्यंत जो हैं विधानसभा के प्रसाद पर्यंत जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हाँ तो इसका भाई जिन्होंने डी दिया है गुड इवनिंग सालू जी गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग ठीक है आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या तेरह कथन एक है और कारण एक है राज्य स्तर का कोई भी मंत्री अपने पद पर तब तक नहीं बना रह सकता जब तक उसे मुख्यमंत्री का विश्वास प्राप्त हो राज्य स्तर का कोई भी मंत्री अपने पद पर तब तक ही बना रह सकता है जब तक उसे मुख्यमंत्री का विश्वास हो किसी मंत्री के साथ मतभेद होने की स्थिति में मुख्यमंत्री उसे त्याग पत्र मांग सकता है अथवा राज्यपाल उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है और इसका सबसे बड़ा स्टेटमेंट और सबसे बड़ा उदाहरण अभी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं राजेंद्र गुड़ा साहब जी इसका एक बड़ा उदाहरण अभी आप देख सकते हैं कि गुड़ा साहब इस मामले के अंदर ही अभी जो है सस्पेंड हुए हैं बर्खास्त हुए हैं तो ये क्या बात सही है ओके okay. कोई बात नहीं अब नहीं देखा तो अब आराम से देखो राजेंद्र गुडाजी वाली कहानी पर इस प्रश्न पे फिट बैठ रही है आप लोगों को ताजा ताजा उदाहरण मिला हुआ है और इस उदाहरण के साथ आप लोग दोनों ठीक है दोनों दोनो क्या है ठीक है बिल्कुल राइट आंसर है कथन व कारण दोनों सही है और इसकी ये क्या कर रहा है सही व्याख्या कर रहा है यानी कि भैया मुख्यमंत्री ने अगर कह दिया इस्तीफा तो इस्तीफा गहलोत जी ने कहा कि इसका इस्तीफा ले लो ये आदमी अनरगल बयानबाजी कर रहा है या ठीक बयानबाजी नहीं कर रहा है हमारी सरकार के विपरीत बोल रहा है ये मानना है सीएम साहब का गुडा साहब का मानना अपना है उन्होंने लाल डायरी का जिक्र किया है और वहां भैया धक्का मुक्की हुई है और भैया हाथ पांव भी चले हैं सुनने में आया था कि हाथ पांव भी लोगों के चले थे वहां पर तो कथन व कारण दोनों सही है कारण और कथन की सही व्याख्या करता है यानी कि ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा में से कौन सा कथन सत्य है मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं था इसे संविधान संशोधन उन्नीस के तहत तो जोड़ा गया मंत्रिमंडल के मुकाबले मंत्री परिषद का आकार बड़ा होता है मंत्रिमंडल के मुकाबले मंत्री परिषद का आकार बड़ा होता है मंत्री परिषद में सभी मंत्री आते हैं जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं मंत्री परिषद के मुकाबले मंत्रिमंडल शक्तिशाली होता है अब आपको इसमें से सत्य को छांटना है एक दो चार सत्य हैं दो तीन चार एक दो तीन एक दो तीन और चार इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सत्य हैं और कौन कौन से स्टेटमेंट गलत हैं अब देखो रणवीर जी मैं सही गलत तो नहीं कह सकता क्योंकि यहां पर किसी को सही और गलत नहीं ठहरा सकते क्योंकि राजनीति में कौन सही है कौन गलत है किसी का पता ही नहीं चलता है हमें तो जो दिखाया जाता है, को पढ़ते हैं। चल रहा है। के बारे में आप लोगों को जो मीडिया में दिखाया जा रहा है वो अलग चीज है जबकि वहां की एक्चुअल जो स्थिति है वो अलग ही है हमको केवल वही दिखाई पड़ रहा है जो हमें दिखाया जा रहा है जबकि वहां की वास्तविकता है जो अलग है और मैं चाहता हूं कि मणिपुर हिंसा पर एक बहुत अच्छा मैं वीडियो बना सकता हूं क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे से टैली किया है कि कारण क्या है क्यों वहां के मैतई और कुकी और नागा समुदाय के बीच में झड़पे चल रही हैं इसका मेन फैक्ट क्या है क्योंकि इतना सा तो अभिव्यक्ति कथन हम भी थोड़ा कॉमन सेंस रखते हैं कि इसका वास्तविक पीछे का कारण क्या है तो मैं कोशिश करूंगा अगर जल्दी से 10-20 मिनट की क्लास हो सकती है जिसमें हमारे जीके के रिलेटेड क्वेश्चन भी आ ही सकते हैं क्योंकि मणिपुर करंट का विषय हो गया तो वहां के कानून वहां के संविधान वहां के नियम के बारे में भी प्रश्न बनता है तो अगर आपने इसका एक दो तीन चार बनाया है एक दो तीन और चार ठीक है हाँ मीडिया में सुबह से लेकर शाम तक यही चलता रहता है बिल्कुल ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं चलो मुझे एक आप प्रश्न का उत्तर दोगे मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि ये चौवालीसवां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री और किस राष्ट्रपति के दरमियान हुआ किस प्रधानमंत्री और किस राष्ट्रपति के दरमियान हुआ पीएम और राष्ट्रपति जो थे उसके दरमियान हुआ बिल्कुल मोरारजी देसाई सही कहा मोरारजी देसाई उस समय और राष्ट्रपति कौन थे भाई ये भी बता दो फटाफट से दहिया ने ये तो बता दिया है निम्नांकित अधिकारियों में से कौन राजस्थान में मंत्री परिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग का मुख्य सचिव प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रह विभाग का हाँ एक और चीज आप ध्यान में रखोगे जब ये वाला प्रश्न आया है तो मैं इसको बता देता हूं कई बार एग्जाम में इनका जो है क्या पूछता है सिक्वेंस पूछता है कि हमारे संविधान में जो सचिवालय में कर्मचारी कार्यरत हैं और ये प्रश्न आया हुआ भी है एक दो बार कि सचिवालय में जो कर्मचारी कार्यरत हैं जो अपर लेवल से लो लेवल की ओर तो वहां पर ये पूछ लेता है कि सबसे ऊपर मुख्य सचिव फिर क्या होता है प्रमुख शासन सचिव होता है अतिरिक्त सचिव होता है ना उसके बाद में सब सचिव होता है तो ये भी एक क्रमांक होता है आगे हम इनको पढ़ने वाले हैं तो आप इस बात को भी बिल्कुल ध्यान रखें नीलम संजीव रेड्डी बिल्कुल सही कहा उस समय नीलम संजीव रेड्डी जो थे जो हमारे देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो क्या बने थे निर्विरोध बने थे हमारे देश के एकमात्र राष्ट्रपति जो क्या बने थे निर्विरोध क्या बने थे राष्ट्रपति बने थे नीलम संजी रेड्डी कब बने थे उन्नीस में बने थे और उन्नीस तक ये पद पर रहे थे ना और एकमात्र हाँ इससे पहले ये हार गए थे एक बार इन्होंने चुनाव लड़ा था किसके सामने इन्होंने चुनाव लड़ा था उसके सामने वीवी गिरी के सामने तो वीवी गिरी के सामने तो ये चुनाव हार गए थे पहला चुनाव लेकिन दूसरा चुनाव इन्होंने निर्विरोध रूप से क्या कर लिया था जीत लिया था और आप लोगों ने इसका राइट आंसर क्या दिया है बिल्कुल आपने पंद्रह का ए दिया है पंद्रह का ए किन किनों ने दिया है पंद्रह का ए किन किनों ने दिया है भाई ठीक है राइट आंसर ओके <coughs> ओके okay. okay. तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग ध्यान रखना भाई इसका राइट आंसर सी होगा आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं बिल्कुल ए के कुमार ने सही बताया है प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग जो होता है यही मंत्री परिषद में सचिवों के रूप में क्या करता है कार्य करता है तो भैया ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 16 है मुख्यमंत्री के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन ए सकते हैं मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा कथन ए सकते है मुख्यमंत्री मंत्री, मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री के अनुपस्थिति में वरिष्ठ मंत्री ये काम कर सकता है बिल्कुल सही बात हो सकती है शायद यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है क्या ये बात बैठती है क्या <coughs> यदि मुख्यमंत्री विधान मंडल के उच्च सदन का सदस्य है तो वह स्वयं के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वोट नहीं कर सकता विधान मंडल का सदस्य और उच्च सदन का है उच्च सदन का मतलब हो जाएगा विधान परिषद का यदि मुख्यमंत्री विधानमंडल का मनोनीत सदस्य है तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है तो इसमें से राइट उत्तर क्या हो जाएगा भाई इसमें से राइट उत्तर हाँ अभी तक कमेंट नहीं आया आप लोगों का फटाफट से कमेंट आ जाना चाहिए तो समय क्यों ले रहे हो ध्यान हाँ ये रखना है विधान परिषद को विधान परिषद जो होती है मैंने आपको कल भी बताया था तू भी मजा कर वाली ट्रिक के नाम से कि भैया ये जो राज्य हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं ये जो छह राज्य हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। तेलंगाना उत्तर प्रदेश बिहार महाराष्ट्र जम्मू एंड कश्मीर को भी हटा दिया है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तो यहां पर ये क्या हो जाएगा राइट right आंसर इसका बी हो जाएगा बी बी होगा डी नहीं होगा भाई बी होगा न कि डी मनोनीत कैसे भाग लेगा मनोनीत व्यक्ति भाग नहीं ले सकता है निर्वाचित जो होता है वो ही क्या लेता है इसमें भाग लेता है ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा विधान परिषद का सदस्य है है तो तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता यह गलत हो जाएगा क्योंकि वो नहीं ले सकता है वो नहीं ले सकता है प्यारे विद्यार्थियों वो नहीं ले सकता है ना तो यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि अभी एक विद्यार्थी उत्तर भी दे रहा है एकनाथ नाथ एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र के थे और इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था बिल्कुल सही कहा और ममता बनर्जी भी चुनाव हार गई थी ना फिर उन्होंने उपचुनाव में तो वापस जीत लिया था तो बनर्जी ने भी इसमें क्या नहीं लिया भाग नहीं लिया क्योंकि वो वेस्ट बंगाल की सीएम थी और वो चुनाव हार गई थी बाद में उपचुनाव से वो क्या है जीती थी <coughs> सत्रह मुख्यमंत्री निम्न में से किसका अध्यक्ष और सदस्य नहीं होता है राज्य आयोजना बोर्ड अंतर्राज्य परिषद राष्ट्रीय विकास परिषद और उपयुक्त में से कोई भी नहीं मुख्यमंत्री निम्न में से किसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं होता है अध्यक्ष या सदस्य नहीं होता है किसका नहीं होता है भैया फटाफट से बता दो <coughs> आग हाँ भाई बिल्कुल आग लगा दी मुकेश बहुत अच्छा है हमारा विलेज डेवलप देखो मैं अपने आप को बड़ा नहीं समझता मैं भी आपके समान एक विद्यार्थी हूँ मैं शिक्षक कभी कहता भी नहीं क्लास में कभी कहूंगा भी नहीं कि मैं एक शिक्षक हूँ क्योंकि शिक्षक बनने के लिए भैया परिपूर्ण होना पड़ता है और मुझे लग नहीं रहा कि इस जन्म में हम परिपूर्ण हो जाएंगे क्योंकि भैया ज्ञान ये कभी पूरा नहीं होगा जितना लो उतना ही कम है तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा और समझा क्योंकि आप अगर न्यूज से जुड़े हुए हैं कंटिन्यू कंटिन्यू अगर आप न्यूज से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है पेपर में क्योंकि हम तो यहाँ पे एक लाइन में पढ़ रहे हैं जबकि पूरे पेपर में उसका पूरा लेख लिखा होता है हर चीज के ऊपर पूरा डेस्क्रिप्टिव पूरी व्याख्यात्मक चीजें लिखी होती हैं तो आप अगर सुबह उठ के अगर पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो भैया पढ़ना स्टार्ट कर दो बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको देखने को मिलती है ओके okay. तो भैया इसका राइट right आंसर हो जाएगा राज्य आयोजना बोर्ड अंतरराज्य परिषद उपयुक्त में से कोई भी नहीं यानी कि मेरे हिसाब से इसका जो राइट right आंसर होगा राज्य आयोजना बोर्ड का भी होता है अंतरराज्य परिषद का भी होता है है ना और राष्ट्रीय विकास परिषद का भी होता है तो यानी उपयुक्त में से कोई भी नहीं होना चाहिए यानी कि ये तो होता है यानी कि कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है अरे नहीं ऐसा नहीं है उपयुक्त में से कोई नहीं है आयोजना बोर्ड का होता है अंतर्राज्य परिषद राष्ट्रीय विकास परिषद एक बार इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है उपयुक्त सभी होना चाहिए था यहाँ पे या फिर यह होना चाहिए था कोई नहीं आल होना चाहिए वैसे तो मुझे लग तो रहा है लेकिन थोड़ा डाउट आ रहा है भाई भाई इस को को हम स्किप के एक बार इसको मैं देखूंगा ये मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल लगा क्योंकि पर कुछ इसमें गलत हुआ है या तो टाइपिस्ट ने कुछ एरर किया है मेरे हिसाब से इसमें निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री व राज्यपालों के संबंधों में परिभाषित नहीं करता है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री व राज्यपालों के संबंध को परिभाषित नहीं करता है एक सौ तिरसठ और एक यानी कि आप सब जो पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं आप लोग जब कार्यपालिका पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं विधायिका कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं तो कार्यपालिका में राज्यपाल आता है आपका राज्यपाल के साथ में उसके बाद में आता है मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ में एक और चीज जुड़ी होती है मुख्यमंत्री और उसका मंत्री परिषद है ना ये दोनों हम साथ में पढ़ सकते हैं और अलग अलग भी पढ़ सकते हैं और एक और इसमें होता है महाधिवक्ता तो यहाँ पर ही आपको इसमें उत्तर मिल गया होगा महाधिवक्ता के रूप में जहां मैंने लिखा है तो शायद आपको पता चल गया होगा कि अब इसका उत्तर क्या होने वाला है तो आपको उत्तर पता चल गया होगा कार्यपालिका में एक व्यक्ति ऐसा होता है दस नंबर का क्वेश्चन भी एक बार देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल एक सौ छियासठ एक जो है ये महाधिवक्ता के लिए होता है ये किसके लिए होता है महाधिवक्ता के लिए होता है, है। इसलिए ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल के संबंधों को परिभाषित नहीं करता है यहां पर तो एक दो आर्टिकल होते हैं एक और एक जो होते हैं ये महाधिवक्ता को क्या है समर्पित दोनों आर्टिकल हैं हाँ भाई आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 19 पर राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में असत्य कथन है राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरा शास्त्री थे इन्हीं के समय 30 मार्च उन्नीस को संभाग व्यवस्था शुरू हुई थी 30 मार्च उन्नीस को क्या राजस्थान में संभाग व्यवस्था शुरू हुई थी पहली बार छब्बीस जनवरी उन्नीस को प्रधानमंत्री का नाम बदल करके मुख्यमंत्री कर दिया गया क्या यह बात सही है सी एस वेंकटाचारी केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत आई इंडियन सिविल सर्वेंट अधिकारी जो राजस्थान के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे हरिदेव जोशी ऐसे मुख्यमंत्री थे जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे चलो भाई तो इसमें से आपको असत्य कथन को छाटना है क्या हरिदेव जोशी विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं क्या ऐसा प्रश्न कल भी एक प्रश्न आपको देखा गया था

लेकिन अब यहाँ पर समस्या यह है कि उस ऑप्शन को माने तो फिर एक हम चुन सकते हैं बाकी एग्जैक्ट तो एक होगा पिछले वाले का हाँ तो कल सेकंड ग्रेड में भी ऐसा प्रश्न हमारे को देखने को मिला था और वैसा ही उसी लैंग्वेज का सेम प्रश्न है हाँ हाँ नहीं वो तो मैं बात आपकी सहमत हूं लेकिन यहाँ पे वो टेक्निकल जो शब्द था उसकी हम बात कर रहे हैं एक सौ पैंसठ सीएजी सीएजी नहीं होता है सीएजी बाई एक सौ अड़तालीस में होता है

हीरा हीरालाल हीरालाल देवपुरा कल यही तो प्रश्न आया था हीरालाल देवपुरा जो सबसे कम समय के लिए मात्र 16 दिन के लिए समन से ये चुनाव लड़ते हैं और मात्र 16 दिन के लिए क्या बने थे ये राजस्थान के सीएम बने थे कब जब वो गोली कांड हुआ था कौन सा गोली कांड डीग आपने सुना होगा जिसमें वहां के मानसिंह की वहां के एसपी ने क्या कर दी थी हत्या कर दी थी एनकाउंटर कर दिया था बाकी तो ये सारे के सारे क्या सही है ध्यान रखना संभाग्य व्यवस्था को बंद जो किया था वो किसने किया था संभाग्य व्यवस्था को बंद भी कर दिया था और एक बार पुनः वापस चालू किया था तो फटाफट से कमेंट करके बता दो एक बार बंद किसने किया था और फिर इसको चालू किसने किया था और जब प्रारंभ में संभाग व्यवस्था बनाई गई थी तो उस समय इसमें इस कितने जिले शामिल किए गए थे जब राजस्थान में प्रारंभिक संभाग्य व्यवस्था बनी थी 30 मार्च उन्नीस चौथे चरण में तो उस समय टोटल जिलों की संख्या कितनी थी सॉरी टोटल जिलों की नहीं टोटल संभाग संभागों की संख्या कितनी थी टोटल संभागों की संख्या कितनी थी प्रारंभ में मैं मैं आपके इन सभी उत्तरों का वेट कर रहा हूं अगले हूं अगले प्रश्न के के ऊपर आपको लेके चलता निम्न में से राजस्थान उप मुख्यमंत्री नहीं रहे हरिशंकर भाबड़ा टीकाराम पालीवाल बनवारी लाल बैरवा कमला बेनीवाल और नोटो अरे भैया ये नोटो भी आ गया क्या तो नोटो भी आ गया भैया आज तो नोटो भी आ गया है उन्नीस में मोहनलाल सुखाड़िया जी ने बिल्कुल बंद कर दिया था सुकारिया सरकार ने बंद कर दिया था तो 1987 में वापस किसने चालू किया था तो भैया 1982 87 में किसने चालू किया था भाई <clears throat> 87 में बिल्कुल पुनः हरिदेव जोशी ने इसको क्या कर दिया था शुरू कर दिया था बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1987 में 1987 में इसको वापस चालू कर दिया था बांसवाड़ा वाले सीएम साहब जिनका नाम है हरिदेव जोशी जी जो एक हाथ के सीएम थे यानी कि ये विकलांग थे यानी कि एक ही याद था इनके ठीक है भाई राइट आंसर इसका आपने क्या बताया बनवारी लाल बैरवा है कमला बेनीवाल है उप मुख्यमंत्री नहीं रहे <coughs> सी अधिकतर विद्यार्थी डी कमला बेनीवाल तो रहे हुए हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा टीकाराम पालीवाल है हरिशंकर बाबड़ा है बनवारी लाल है कमला बेनीवाल है सचिन पायलट है हरिशंकर बाबड़ा टीकाराम पालीवाल बनवारी बैरवा तो फिर नोट होगा क्या राइट आंसर पांच बने अब तक पांच बने हैं अब तक राजस्थान में पांच उप मुख्यमंत्री बने हैं हरिशंकर भाबड़ा नहीं बने हैं सबसे मेन बात ध्यान आपको ये रखनी है हरिशंकर भाबड़ा जो है नहीं बने हैं बाकी टीकाराम पालीवाल बनवारीलाल बैरवा कमला बेनीवाल ये सब बने हैं बाबड़ा जो है एक मिनट बाबड़ा तो बना है यार भाबड़ा तो होगा कर भाबड़ा तो है वे टीकाराम भी है बनवारी लाल बैरवा भी है और कमला बेनीवाल तो इसका राइट आंसर तो भैया डी हो जाएगा हाँ बीजेपी की तरफ से उसके साथ में बने थे ये क्या नाम था बैरो सिंह शेखावत के साथ में बने थे ये भैरो सिंह शेखावत की सरकार जो थी इन दोनों के साथ में बनी थी बाकी ये फिर कांग्रेस ही है एक और नाम आ जाएगा सचिन पायलट सचिन पायलट जो हो जाएगा वो हो जाएगा तो ऐसे हो गए हाँ अब हो गए पांच तो इसका नोटो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा नोटो ठीक है भाई नोट होगा इसका राइट आंसर क्योंकि पांचवा सचिन पायलट ऑप्शन में नहीं है तो सचिन पायलट अभी बिल्कुल सबसे नए बने हैं ये चार कांग्रेस के हैं और एक बीजेपी का है हरिशंकर है है? जयनारायण व्यास ने प्रथम विधानसभा चुनाव में दो सीटों से चुनाव लड़ा लेकिन दोनों सीटों से हार गए जयनारायण व्यास ने प्रथम विधानसभा चुनाव में दो सीटों से चुनाव लड़ा बिल्कुल एक तो उन्होंने जालोर सीट से चुनाव लड़ा था और एक जोधपुर सीट से चुनाव लड़ा था लेकिन ये दोनों ही सीटों से क्या हार गए थे चुनाव हार गए थे बाद में एक जगह से उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव हुआ था कहाँ से किशनगढ़ से फिर किशनगढ़ से चुनाव में जीते और हमारे पालीवाल साहब को इन्होंने क्या बना दिया पालीवाल साहब को तो इन्होंने उप मुख्यमंत्री बना दिया और फिर खुद क्या बन गए मुख्यमंत्री बन गए लेकिन जल्दी इनका भी पत्ता साफ कर दिया गया उन्नीस में बने और उन्नीस में यानी कि मोहन जी ने इनका पत्ता साफ कर दिया मोहन जी समझ रहे होंगे मोहनलाल सुखाड़िया जी ने उन्नीस सौ चौवन में इनका पत्ता साफ कर दिया था पहली बात तो सत्य है राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल से बिल्कुल सही स्टेटमेंट है राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया और न्यूनतम कार्यकाल वाले हीरा लाल देवी सत्रह साल और सोलह दिन ये तो है सत्रह वर्ष के लिए और ये है सोलह दिन के लिए सबसे कम आयु सबसे कम दिन के लिए जगन्नाथ पाड़िया राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु नहीं भाई यहाँ पे तो साहब साहब आएगा खान आएगा तो ये एकमात्र सीएम है बरक्तुल्ला खान साहब जिनकी पद पर रहते हुए क्या हुई थी मृत्यु हुई थी हां उन्नीस में दिल का दौरा पड़ने से इनका क्या हो गया था देहांत तो हो गया था और ये इंदिरा गांधी जी को क्या कहकर के संबोधित करते थे ये इंदिरा गांधी जी को भाभी जी कह करके संबोधित करते थे और भाभी जी क्यों कहते थे देश के प्रधानमंत्री को भाभी जी कौन कह रहा है भरक्तुल्ला खान साहब कह रहे हैं और यह जो थे जोधपुर से इनका संबंध है लेकिन यह अलवर की एक सीट है तिजारा अलवर की तिजारा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था अलवर की तिजारा सीट से चुनाव लड़ा था इन्होंने तिजारा है तिजारा तो भैया इसलिए कहते थे कि इंदिरा गांधी के पति जिनका नाम है, है फिरोज शाह फिरोज शाह गांधी और बरक्तुल्ला खान साहब क्लासमेट थे ये दोनों एक ही विश्वविद्यालय में साथ में पढ़े शायद इन्होंने एलएलबी की पढ़ाई दोनों ने साथ में की थी बरक्तुल्ला खान साहब ने और फिरोज शाह ने ठीक है तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा भाई राइट आंसर बरक्तुल्ला स्टेडियम बिल्कुल जोधपुर में है आगे बात करते हैं निम्न में से कौन सा कथन सत्य है राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर थे राजस्थान के अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया थे राजस्थान के अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान साहब थे हरिदेव जोशी तीन बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने लेकिन एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके हाँ भाई तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर पॉसिबल नहीं है राजस्थान के सबसे अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री जगन्नाथ पाड़िया संभव नहीं है राजस्थान के अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री बरक्तुल्ला खान संभव नहीं है हाँ ये वाला सही है हरिदेव जोशी तीन बार बने थे हरिदेव जोशी पहली बार बने कब हरिदेव जोशी पहली बार बनेंगे उन्नीस में पहली बार बने उन्नीस में दोबारा बने शिवचरण माथुर के बाद में पिचासी में दोबारा बने और एक बार वापस बने नवासी में तो ये राजस्थान के तीन बार सीएम रहे थे प्रथम बार, दूसरी बार और तीसरी बार लेकिन इन्होंने एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था सबसे युवा मुख्यमंत्री आप किसको कहोगे भैया सबसे युवा मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर तो नहीं रहे अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री जगन्नाथ पाड़िया नहीं है अल्पसंख्यक तो बरत खान साहब हैं ब्रक तुल्ला खान साहब हैं जोधपुर वाले ना जगन्नाथ पाडिया क्या थे राजस्थान के अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया जी आएगा और सबसे शिव चरण माथुर तो नहीं थे इसमें शायद मोहनलाल सुड़िया होना चाहिए मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से सबसे कम उम्र के जो थे सुखाड़िया होना चाहिए मेरे हिसाब से तो

क्या ये बात सही बैठ रही है क्या मेरे को ये बात ठीक नहीं लग रही है राजस्थान में संभाग व्यवस्था पुनः शुरुआत उन्नीस सौ में हरिदेव जोशी ये गलत है तो इसकी जगह क्या होना चाहिए था शिव चरण माथुर की जगह क्या ऑप्शन होना चाहिए था फटाफट से कमेंट करके बता दो ये तो गलत है ये बात तो सही है शिव चरण कवित्री पर जो है कमेंट इन्होंने नहीं किया था एक दूसरे सीएम था जिन्होंने इनके ऊपर कमेंट किया था और वो सीएम कौन है भरतपुर से उनका संबंध बिल्कुल भरतपुर से संबंध भुसावर से भरतपुर भुसावर से संबंध किनका है भरतपुर का से संबंध आपके जगन्नाथ पहाड़िया जी का तो जगन्नाथ पहाड़िया इसका क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ पहाड़िया इसका क्या हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा क्योंकि इन्होंने और जयपुर में वो है कोई भवन है याद नहीं आ रहा मेरे को क्या नाम है जहां पे ये प्रतियोगिताएं होती है वहां पर इन्होंने इसके ऊपर स्टेटमेंट दे दिया था तो भैया अब आपने स्टेटमेंट दे ही दिया तो इसके चक्कर में इसके चक्कर में इंदिरा गांधी ने भैया इनका इस्तीफा ले लिया था इंदिरा जी ने कहा कि जगन्नाथ भैया बहुत हो गया आपका खेल आपने देश के एक अच्छे छायावादी प्रकृतिवादी प्रेम रस के जो एक प्रकार से बहुत लेवल के उच्च देवी उच्च कवि के जो कोटि के आपके कवियत्री थी महादेवी वर्मा के ऊपर इन्होंने कमेंट कहा इसके चक्कर में इस्तीफा हो गया जी निम्न में से कौन सा कथन सत्य है राजस्थान के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बैरो सिंह शेखावत बने बिल्कुल सही बात है बीजेपी की तरफ से पहली बार हरिदेव जोशी लगातार दस बार विधायक रहे प्रथम आम चुनाव से लेकर के मृत्यु तक ये बात भी बिल्कुल सही बैठ रही मेरे हिसाब से तो राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे इन्हीं के समय पंचायती राज की व्यवस्था शुरू हुई ये बात भी सही है राजस्थान के प्रथम मध्यावधि चुनाव बैरव सिंह शेखावत के समय हुए प्रथम मध्यावधि एक बार उन्नीस हमारे 1977 में हुए थे और एक बार उन्नीस सौ बानवे में हुए थे, थे दो बार मध्यावधि चुनाव हुए हैं तो शेखावत के समय हुए हैं तो प्रथम आम चुनाव से मृत्यु तक शायद मृत्यु के समय ये नहीं हुए थे क्योंकि मृत्यु के समय ये राज्यपाल थे मेरे हिसाब से तो ये राज्यपाल थे तो मृत्यु पर्यंत तक तो नहीं रहे हैं दस बार विधेयक तो रहे हैं तो इसका राइट आंसर क्या ये सही है क्या मृत्यु तक मेरे हिसाब से मृत्यु तक तो नहीं होना चाहिए क्योंकि उस समय ये राज्यपाल थे हरिदेव जोशी जी तो मेरे हिसाब से मैं इसको सही नहीं मानूंगा अगर जहां तक मुझे लग रहा है ये तो इसको निकाल दो एक बार तो निकाल दें क्या ऐसा ऑप्शन है क्या तो वह है क्या ये बात कंफर्म हो सकती है कि भाई कोई कंफर्म कर सकता है इस चीज को छठी हाँ, और नवी विधानसभा में हुआ था अस्सी और के बीच में दोनों बार में सिंह शेखावती चुनाव में थे तो मेरे हिसाब से से तो तो से तो ये ये मृत्यु पर्यंत उस समय राज्यपाल थे मेरे हिसाब इसका गलत होना चाहिए बाकी तो और इसको एक बार और टैली कर लेंगे राजस्थान विधानसभा की निम्नलिखित में से किस समिति में से सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है याचिका समिति विशेषाधिकार समिति सरकारी आश्वासन समिति और सामान्य प्रयोजन संबंधी राजस्थान विधानसभा को निम्नलिखित में से किस समिति ने सदस्यों की संख्या पूर्व निर्धारित नहीं है किस समिति में नहीं है कल का टॉपिक भी यही विधानसभा विधान परिषद वाला ही रहेगा इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे नहीं नहीं मेरे को कन्फर्म नहीं हुआ इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि मेरे हिसाब से तो उस समय राज्यपाल थे और इसको एक बार टैली कर लेते मेरे को बिजना भी भी स... आइडिया नहीं है क्योंकि मृत्यु पर्यंत तक पूछा है तो मृत्यु पर्यंत की तो टेली करना पड़ेगा याचिका विशेषाधिकार समिति सरकारी आश्वासन समिति और सामान्य प्रयोजन समिति तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा सामान्य प्रयोजन समिति संबंधी सिपारितें जो होती हैं ये पूर्व निर्धारित नहीं होती हैं जबकि ये ऑलरेडी होती है विशेषाधिकार होती है और ये होती है ये जो है गलत हो जाएगा ये क्या हो जाएगा यानी कि इसमें से नहीं है वो कौन सा है सामान्य परियोजन समिति ये क्या होता है अचानक बनाई जाती है जैसे अभी कोई घटना हो गई राजस्थान में कोई घटना हो गई है और उसके ऊपर एक तीन चार विधायक मिलकर के कमेटी बनती है उसमें कौन आएगा कौन जाएगा ये सामान्य परियोजन से संबंधित होती तो ये क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्रिपरिषद में विश्वास के अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव सूचना है और साथ ही मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव प्राप्त है तो पूर्ववर्तीता किस प्रस्ताव की होगी अविश्वास प्रस्ताव को विश्वास प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष निर्धारित करेगा विधानसभा निर्धारित करेगी राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्रिपरिषद में विश्वास अभाव प्रकट संबंधी प्रस्ताव सूचना के लिए है साथ ही मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करने वाला एक प्रस्ताव आता है इस प्रस्ताव का क्या नाम होगा अविश्वास विश्वास विधानसभा अध्यक्ष निर्धारित करेगा और विधानसभा निर्धारित करेगी तो ध्यान रखना भाई ध्यान रखना भाई राइट आंसर इसका ये हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव अगर किसी प्रकार का मेजोरिटी हमें लेना है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा विश्वास प्रस्ताव इसका एक, एक जी जल्द ही कर देंगे आपके नौ बजे का टाइम मेरे को भी, 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 भी बिल्कुल होता था लेकिन अभी थोड़ा सा जूनियर अकाउंटेंट के लिए हमें थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है इसलिए हम बहुत जल्दी आ रहे हैं स्थगन प्रस्ताव के संबंध में असत्य कथन है असत्य कथन छाटो भाई एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसा प्रस्ताव नहीं किया जाएगा स्थगन के बारे में है स्थगन प्रस्ताव की सूचना उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पूर्व जिस दिन की प्रस्ताव करने का विचार हो अध्यक्ष को दे दी जाएगी हाल ही प्रस्ताव हाल ही में गठित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा प्रस्ताव द्वारा का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा अब इसमें से आपको असत्य छाटना है और ये स्थगन जो प्रस्ताव आता है स्थगन प्रस्ताव का मतलब होता है ठहराव और ये ठहराव कौन लेकर आता है राजस्थान में अगर कोई लेकर के आएगा तो विधानसभा अध्यक्ष लेकर के आएगा कौन लेकर के आएगा भाई विधानसभा अध्यक्ष क्या लेकर के आएगा ये प्रस्ताव हुआ तो अविश्वास तो पहले ही आ जाएगा, ओके भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्ताव की सूचना उस दिन बैठक होने से पूर्व जिस दिन प्रस्ताव करने का विचार अध्यक्ष को दी जाएगी नहीं इसके साथ में दो व्यक्तियों को और दी जाएगी जो संसदीय सचिव है और जो शासन सचिव यानी कि इसमें सचिवालय जो सचिव होता है मैंने बताया था ना सचिवालय सामान्य प्रशासन विभाग इन दोनों को इसकी सूचना पहले से दी जाती है है ना ठहराव की भैया अगर आप स्कूल की छुट्टी कर रहे हो तो कलेक्टर का आदेश आपके पास में होना चाहिए हेडमास्टर का आदेश होना चाहिए ऐसे छुट्टी नहीं कर सकते हो सरकारी छुट्टी आने से पहले इन लोगों के आदेश की अनुमति होनी चाहिए बाकी फिर विधायक आ जाएंगे तो आने के बाद में फिर कार्रवाई आपने की नहीं है ये विधायक जो है अपने अपनी गाड़ियों से खर्चा करके आएंगे भैया ये तो आने जाने का पैसा लेते हैं इसलिए ये सूचना विधायकों तक पहुंचाएगा कौन तो ये प्रशासन विभाग इनके लिए सूचना पहुँचाता अग्रसित करता है राजस्थान विधानसभा कहां स्थित है अल्बर्ट होल रोड कोटा किशनपोल बीकानेर आमेर जयपुर लालकोटी जयपुर राजस्थान की विधानसभा पूर्व में तो कहां पर थी सवाई मानसिंह टाउन हॉल सवाई मानसिंह टाउन हॉल में थी पहले तो तो सवाई मानसिंह टाउन हॉल अगर आपने देखा हो कभी आप बड़ी चौपड़ पे गए हो तो आपको पता है बड़ी चौपड़ से चार रास्ते निकलते हैं चार रस्ते ये तो गया छोटी चौपड़ की तरफ ये गया सांगानेरी गेट की तरफ ये गया आपके रामगंज की तरफ ये गया आपके जल महल की तरफ तो जल महल की तरफ जाने से पहले यहां पे तो आएगा भैया आपका सबसे मुख्य हवा महल ये तो रहा हवा महल हवा महल के जस्ट पास में बिल्डिंग बनी हुई है उसका नाम है सवाई मानसिंह टाउन हॉल सवाई मानसिंह टाउन हॉल से आगे निकलते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा अंदर चल के यहाँ पर बना हुआ है सिटी पैलेस यहाँ पर बना हुआ है सिटी पैलेस सिटी पैलेस के बिल्कुल नीचे सिटी पैलेस के बिल्कुल नीचे बना हुआ है सिटी पैलेस के बिल्कुल नीचे बना हुआ है गोविंद देव जी का मंदिर बना हुआ है गोविंद देव जी के मंदिर के जस्ट नीचे एक पानी का बड़ा सा तालाब है जिसे ताल कटोरा कहा जाता है क्या कहा जाता है ताल कटोरा और ताल कटोरा से एक इधर एक पहाड़ी है ताल कटोरा से इस तरफ एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी पर एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है गढ़ गणेश जी का मंदिर है ना भाई तो ये जयपुर है ये रोड आगे चलती रहती है इस प्रकार से और जैसे आगे चलेंगे तो इस हाथ पर आपके आता है जल महल तो आप लोगों को मैंने ये देखिएगा जयपुर के दर्शन करवा दिए पुराने वाले असेंबली के सन 2000 तक तो यही थी लेकिन 2000 के बाद में लाल कोटी पे आ गया है सन 2000 के बाद में कहां पर आ गया लाल कोटी पर आ गया है तो अब इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा अब इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ओके तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा डी इसका राइट right आंसर हो जाएगा किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा सदस्य संख्या एक से बढ़ाकर दो कर दी गई थी चौथी विधानसभा पांचवी विधानसभा छठी विधानसभा और सातवी विधानसभा कौन सी विधानसभा में हाँ भाई जयपुर घूम लिया बहुत अच्छा लगा जयपुर जयपुर में तो भैया यानी कि आप लोग विदेश में घूमने जाने से पहले एक बार पूरे जयपुर को घूम लेना इस समय इस समय जो जयपुर का माहौल बना हुआ है बड़ा रोमांटिक माहौल बना हुआ है क्योंकि भैया सावन का महीना ऐसा ही होता है हर चीज अपने आप में रोमांटिक हो जाती है प्रकृति की देन है ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका भैया छठी विधानसभा किसी ने बताया क्या बिल्कुल छठी विधानसभा मैं आपको पहले से बताता बताता हूं हूं रोज बार बार बताता हूं कि प्रथम विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी थी प्रथम विधानसभा में थी 160 दूसरी में बढ़कर कितनी हो गई थी दूसरी में बढ़कर हो गई थी एक हो गई थी और तीसरी में नहीं बढ़ी चौथी में बढ़ी फिर चौथी में कितनी हो गई थी एक सौ चौरासी हो गई थी और फिर छठी जो विधानसभा आई थी छठी में कितनी हो गई थी दो सौ हो गई थी छठी में कितनी हो गई थी दो सौ हो गई थी तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा छठी विधानसभा तो आप लोग इन चीजों को नोट डाउन करते रहे राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी सुमित्रा सिंह विद्या पाठक उजला अरोड़ा और कमला बेनीवाल राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी भाई फटाफट से बता दो भैया अकेला भी क्या घूमना जीवन में लेकिन मैं मानता हूं भैया फिर उसकी सिक्योरिटी में पैसा खर्च करना पड़ता तेरा ध्यान उसकी तरफ रहता लोगों का ध्यान और किसकी तरफ रहता तो भैया अच्छा है अकेले घूम लो फायदे में वरना तो फिर सिक्योरिटी गार्ड की तरफ पीछे पीछे चलना पड़ेगा अकेले घूमने में फायदा है मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरा पर्सनल अनुभव है जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ सुमित्रा सिंह जो हो जाएगा भैया इसका राइट right आंसर हो जाएगा राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला प्रथम महिला व्यास सुमित्रा सिंह विद्या पाठक और कमला बेनीवाल राजस्थान की प्रथम महिला जो मंत्रिमंडल में पहली बार शामिल हुई थी हाँ भाई परसों आए थे आप जयपुर और जयपुर का भी आपने न्यूज पढ़ा होगा परसों के दिन तो भैया लबालब हो गया था आपका जयपुर पूरा पानी से भर चुका था डी ए बता रहे हो या डी राजस्थान का पहला महिला जो मंत्रिमंडल में पहला जो स्थान लिया था तो भैया राइट आंसर हो जाएगा कमला बैनीवाल कमला बैनीवाल जी का संबंध राजस्थान में शाहपुरा से है शाहपुरा एक भीलवाड़ा वाला है और एक शाहपुरा जयपुर में भी है ठीक है और शाहपुरा जयपुर में है ये बैराट शुरू में इन्होंने जो चुनाव लड़ा था बैराट आपने सुना होगा विराटनगर तो पहला जो इन्होंने चुनाव लड़ा था वो बैराट से लड़ा था विराट नगर से आजकल बैराट और शाहपुरा अलग अलग दो तहसीलें बन गई है ना और कमला बेनीवाल का पुत्र अभी विधायक है आलोक बेनीवाल जी आलोक बेनीवाल जी अभी शाहपुरा से वर्तमान में निर्दलीय चुनाव जी, जीते थे बेनीवाल जी और इनके सामने कांग्रेस में टक्कर ली थी शायद कांग्रेस में थे क्या नाम था उनका जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट भी रहे यादव यादव है क्या नाम नहीं आ रहा मेरे को यादव जी हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट रहे हुए हैं उन उनो वो कांग्रेस की तरफ से थे और बीजेपी की तरफ से राव राजेंद्र सिंह थे ठीक है राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नांकित में से कौन से विभाग के प्राकलन प्राकलन समिति के के नियंत्रण दिन नहीं है सार्वजनिक निर्माण विभाग गृह विभाग शिक्षा विभाग और वित्त विभाग ये आर प्री का प्रश्न है 2020 हजार कब लगी थी लास्ट अट्ठारह में लगी थी क्या लास्ट अठारह में तो नहीं बीस इक्कीस में लगी होगी प्री इक्कीस बाईस वाला प्री का ही तो है ये हाँ भाई ये प्री में आया था आर एस प्री का प्रश्न है तो वाली प्री का है सार्वजनिक निर्माण विभाग गृह विभाग शिक्षा विभाग और वित्त विभाग राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट right आंसर इसका हो जाएगा प्राकलन समिति के अंतर्गत नहीं आता है प्राकलन समिति के सार्वजनिक निर्माण शिक्षा विभाग वित्त विभाग तो राइट आंसर होगा इसका भैया गृह विभाग जो होता है प्राकलन समिति के अंतर्गत नहीं आता है बी इसका राइट होगा भैया शिक्षा तो है गृह विभाग जो है इसके दायरे में नहीं आता है होम मिनिस्ट्री जो है है इसके दायरे में नहीं आता राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को किया जाता है? एक बटा तीन एक बटा बारह एक बटा नौ और एक बटा तो आप सभी को बताएं एक बटा सदस्य क्या होते हैं मनोनीत होते हैं कौन कौन से होते हैं साहित्य विज्ञान कला समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन है ना तो ये छह प्रकार के होते हैं अनुच्छेद कहां पर होते हैं एक सौ इकहत्तर एक सौ इकहत्तर तीन में होते है ये। ओके भाई। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की चौतीस पे राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है उन्नीस में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी बिल्कुल सही बात है पहली बार 160 ही थी राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम पहली बार उन्नीस में निर्मित किए गए क्या ये बात हो सकती है बिल्कुल सही बात है राजस्थान विधानसभा की स्थाई अठारह नहीं है कम है जिनमें चार भी संबंधी ये गलत है अठारह से कम है शायद ये आठ या दस के आसपास है स्थाई समितियां आठ और दस के बीच में है तो तीन तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो एक और दो यानी कि ए इसका क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर हो जाएगा ए इसका राइट बिल्कुल ए इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य में कितने विधानसभा चुनाव क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं चौंतीस पच्चीस पच्चीस चौंतीस और छत्तीस तेबीस तो भैया कल भी एक इनमें से एक प्रश्न आया था और मेरे को प्रश्न मुझे तो वाकई में याद भी नहीं रहा क्योंकि वो प्रश्न अब पंद्रहवीं विधानसभा से उन्होंने ये पूछा था कि पंद्रहवीं विधानसभा में अगर कुल महिला पूछ लेता तो शायद विद्यार्थी उसका उत्तर दे पाते उन्होंने पूछा था कि पंद्रहवीं विधानसभा में एसटी की कितनी महिलाएं विधायक थी और एससी की कल का ही पेपर का प्रश्न है तो भैया अब ये प्रश्न तो आपको याद कर लेना ही है क्योंकि रिपीट हो सकता है एससी की तो आठ महिला विधायक हैं और एसटी की जो है वो कितनी है तीन महिला विधायक भैया ये रट लेना कल सेकेंड ग्रेड में आया था और जब आपके गुरुजी को भी याद नहीं है तो मैं ऐसे तो नहीं कह सकता कि आपको नहीं आता होगा लेकिन सीधी सी बात भैया लेवल का प्रश्न था क्योंकि पंद्रह विधानसभा दो में चुनाव हुआ था हाँ कुल का तो कोई पूछता तो मैं बता देता कि भैया छब्बीस सत्ताइस है है ना लेकिन यहाँ पर तो क्या था सत्ताईस थी एक हमारी विधायिका जो है कोरोना काल में उनका देहांत हो गया था किरण माहेश्वरी का अब उनकी जगह उनकी बेटी भी खड़ी हो गई है है ना तो वो बात तो अलग चीज है लेकिन यहाँ पे आठ और तीन जो है आप याद कर लेना एस की महिलाएं आठ हैं और एस की कितनी है तीन है हाँ कल ही आया था निम्नलिखित में से कौन कभी भी राज्य राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे कांस्टेबल 2018 में आया यदुनाथ सिंह करण सिंह अहमद सिंह बख्शी और रामचंद्र तो मैं इसका डायरेक्ट उत्तर बता देता हूं येदुनाथ सिंह भी थे अहमद बख्शी सिंधी भी थे और रामचंद्र भी थे करण सिंह जो थे इसका देखिएगा पुलिस में किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं आप तो भैया अधिकारी लेवल की बात कर रहे हैं अच्छी ग्रेड की आप बात कर रहे हैं कांस्टेबल जहां पर दसवीं पास क्वालिफिकेशन होती है वहां पर देखो आप कैसे प्रश्न पूछ रहा है यानी कि आपको सारे विधानसभा के अध्यक्ष भी नहीं पूछा अध्यक्ष भी पूछता तो क्या पता हम उत्तर तक पहुंच जाते क्या पूछा है उपाध्यक्ष पूछा है अब भैया पुलिस वालों को उपाध्यक्ष तो याद कहां से होंगे जब ढंग से उनको अध्यक्ष याद नहीं होंगे तो भैया प्रश्न का लेवल अब बहुत ही अपर लेवल का आता है और आपको भैया उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी सार्वजनिक महत्व के एक मामले में संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का अंत सत्र अवधि के दौरान एक सप्ताह में कितने अतार्किक प्रश्न सूचना दे सकता है एक तीन पांच और सात यानि कि अतार्किक प्रश्न जो होता है और एक होता है तार्किक प्रश्न। तारंकित प्रश्न होता है एक तो और एक होता है अतारंकित दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एक में मौखिक होता है और एक में लिखित उत्तर दिया जाता है एक में लिखित उत्तर होता है और एक में क्या होता है मौखिक होता है हाँ पुलिस का पेपर भैया बहुत लेवल का आता है पुलिस का पेपर जो बनाने वाला होता है वो कौन पॉलिटिकल का भैया बेहतरीन ज्ञाता ये मैं तो ये मानता हूं और अब की बार जो ग्रेड फर्स्ट का पेपर हुआ है ग्रेड फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस से देखो पॉलिटिकल साइंस का मैं स्टूडेंट रहा हुआ हूं लेकिन भैया इस में मैं तो क्या? पूरे के बच्चे पास नहीं हुए हैं पूरे राजस्थान के ऑल कैटेगरी के, के बच्चे एक गुणा में भी पास नहीं हुए हैं फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट देखा होगा आपने मतलब बच्चे पास नहीं हुए तो राजस्थान में भैया पॉलिटिकल साइंस का जो टीचर है आरपीएससी के पास में और आर एस एम बी सी के पास में तो फिर भी मान लेता हूँ थोड़ा हल्का है इसके मुकाबले लेकिन भैया आर पी एस सी के पास में पॉलिटिकल साइंस का पता नहीं कौन सा टीचर है मैं तो ये मानता हूँ जादूगरी है और बच्चों से एक गुना प्रश्न यानी एक गुना सीट पास नहीं हुए तो भैया मैं मानता हूं राजस्थान में इस समय पॉलिटी भैया भयंकर लेवल की चल रही है और इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त हुआ ओके भाई आज क्लास नहीं अटक रही है भैया आपका नेट अटक रहा है ना पॉलिटिकल साइंस नहीं है मेरा तो अलग ही विषय है अलग ही सब्जेक्ट है जल्दी अभी मैं कोई इसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि मैं भी आगे आप लोगों के साथ में कुछ और बातें शेयर करूंगा लेकिन अभी वक्त है क्योंकि वक्त के ऊपर हर बात अच्छी लगती है तो वक्त आने दो जिस दिन आएगा मैं आपको सारी बातें बता दूंगा क्या मैं किस पोस्ट पर हूँ क्या हूँ क्या नहीं हूँ आपको सारी डिटेल बताई जाएगी लेकिन वक्त पर है ना ऐसे नहीं चलो भाई मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और आज का सेशन कैसा रहा फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा और हो सकता है हमारी एक बार और मुलाकात हो सकती है सात से आठ बजे के बीच में जिसमें हम हो सकता है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में ले आऊँ क्योंकि आज जो सेकंड पे हैं, पेपर का एक और मैराथन जो होता है संजय सर और गणेश सर आज छुट्टी पर है तो मैं आपको एक घंटे के लिए और सेवाएं दे सकता हूं, और मेरी सेवाएं अगर आपको पसंद आ रही हैं, तो चैनल को फटाफट से लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों के साथ इसको बताएं कि हमारा ज्ञान किस प्रकार से जो है बढ़ रहा है और अपना ज्ञान इसको रोकना नहीं है जो आपको अचीवमेंट प्राप्त होता है उसको दूसरों तक शेयर करो तो मैं मानूंगा कि आपका नॉलेज और अपर लेवल का होगा क्योंकि मैं जो चीज़ आपको पढ़ाता हूं तो वो मुझे तो सौ परसेंट याद हो ही जाएगी और आप भी अगर ऐसा दूसरों के साथ में शेयर करते हो तो आपको भी सौ परसेंट क्या होगी याद हो जाएगी तो अपने ज्ञान को शेयर करो ज्ञान बांटने से बढ़ता है धन नहीं बढ़ता है धन को बचा के रखना है और ज्ञान को क्या करना है बांटना है सभी को धन्यवाद अभी अभी थोड़ा वेट करो जब वक्त आएगा तो मैं आपको बता दूंगा ठीक है थैंक यू भाई प्यारे विद्यार्थियों थैंक यू सो मच ओके